हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के शरण स्थान में रहना, जैसे कि पवित्र बाइबल में भजन संहिता उसके 91 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के शायु स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के शायु स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसराइलियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वह परमेश्वर के स्थान में बैठे नहीं रहते थे। जिस दिन परमेश्वर का काम देख लेते थे उस दिन परमेश्वर की महिमा करते थे और बोलते थे कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे और उसी की महिमा करेंगे। और जब वह भूखे होते थे तो परमेश्वर को कोसते थे। हम गुलामी अच्छे थे, हमें अच्छा भोजन तो मिलता था, पर यहाँ पर हम जंगल में भूखे मरने के लिए भटक रहे हैं। जब इसराइलियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो सब लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे कि यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही कोई भोजन है। इसलिए मूसा ने एक भजन लिखा कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब होता है यशब, यानी कि जो स्थान एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है उसमें बैठे रहना और उस जगह से ना हिलना। मेरे प्रियो, फिर मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान शब्द पहली बार गिनती की किताब के 35वें अध्याय में आया। परमेश्वर ने पहली बार ये शब्द अपने लोगों को दिया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इसराइलियों के लिए शरण नगर बनाना और जो कोई भूल से किसी का खून कर दे तो वह शरण नगर में भाग जाए, ताकि जब तक वह न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह मारा ना जाए। मान लो आप पंजाब में हो और परमेश्वर ने कहा कि अगर आप खून करते हो तो आप जलंधर में भाग जाना, क्योंकि जितने लोग उस नगर में भाग जाएंगे मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। उस समय कुछ ऐसे शरण नगर होते थे जहां पर खूनी लोग शरण लेते थे और उनसे उनके पापों का बदला नहीं लिया जाता था। आज प्रभु यीशु मसीह आपके शरण स्थान है। आपने चाहे जितने भी पाप किए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आपके सब पाप माफ हो चुके हैं, क्योंकि वह आपके पापों के लिए अपना लहू बहा चुका है। मेरे प्रियो, आज आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको अपनी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपका गढ़ परमेश्वर है। अब आपका कारोबार सुरक्षित है, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ सुरक्षित है। आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें, उसके वचनों पर अड़े और खड़े रहें। आमीन। क्या आप जानते हैं पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, दस्तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो।
तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हजूरी के लिए। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में है, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि आज हम परमेश्वर की हजूरी में। और ये सबसे आनंद की बात है कि हम खुदा की हजूरी में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, या ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की हजूरी में नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के घर में और आप आए नहीं है। परमेश्वर आपको लेके आया है किस काम के लिए? ताकि आप सीख सके कि किस तरह से हमने मसीह के वचनों को पूरा कर रहा है, ताकि आप सीख सके कि हमें कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना, हम सीख सके कि अपने जीवन को, अपने निजी जीवन को हमने कैसे व्यतीत करना है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। जब आप वचनों को सुनते हैं तो आपका जीवन जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा आसान होता है। कि जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तब आपको समझ आती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आपको समझ आती है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है। तो आज जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं या आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आपने जब वचनों को सुनना है तो पूरे ध्यान से आज मॉर्निंग मीटिंग के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उस वंडरफुल मीटिंग के लिए, जिसमें हमने परमेश्वर के दास के द्वारा हमने जीवित वचन को सुना, गवाहियों को सुना, किस तरह थाउजेंड्स लोगों को खुदा ने चर्च में जो ब्रांचेस में हील किया, और लाखों लोगों ने जो वचन को सुना है ऑनलाइन भी देखा। बहुत सारे लोग जो चर्च में थे, ब्रांचेस में थे, आप जानते हैं जब आप ब्रांच में मौजूद होते हैं तो सेम मसा सेम ग्रेस आप अपने जीवन में आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच में बैठे हैं और जो काम मेन हेड चर्च में हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है परमेश्वर के दास के द्वारा, आप उसका जो मसे का जो हिस्सा है आप ब्रांच में बैठ के रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो वो देखते हैं कि चलो ब्रांच में भी हमने ऑनलाइन देखना है, चलो हम घर पे बैठ के देख लेते हैं। ये गलत है। अगर ब्रांच आपके घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 1 घंटे की 2 घंटे की दूरी के ऊपर भी क्यों नहीं है, अगर आप घर पे बैठ के देख रहे हैं तो उसका असर तो होगा आपके जीवन में, पर जो चीज़ें आप ब्रांच में बैठ के ले सकते हैं वो घर पे नहीं रिसीव कर सकते। तो घर पे मीटिंग उन लोगों के लिए है जो फौजी हैं, जो आर्मी में हैं, जो ग्लेशियर में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप उनका आना पॉसिबल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। आपने परमेश्वर के घर में रहना है, परमेश्वर की हुजूरी में रहना है। जब आप सुनेंगे परमेश्वर के वचनों को तो सेम मसा सेम डिलीवरेंस सेम ग्रेस आप अपने जीवन के ऊपर रिसीव करेंगे। तो आज भी जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में आए हैं, जब आपने वर्शिप करनी है अपने दिल को खोल के आत्मा में मसा के साथ भर के, इधर उधर देखने की बजाय पड़ोसी क्या कह रहा है, मेरा फोन बज रहा है, फोन आपके साइलेंट होने चाहिए या स्विच ऑफ होने चाहिए, ताकि जब आप वर्शिप करें तो आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर हो। जब आप आराधना करें, आप वचन सुने तो आप लिंक्ड हो परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं कि हम वर्शिप कर रहे हैं साथ में हमारा फोन बज रहा है, हम वर्शिप कर रहे हैं ध्यान पड़ोसी की तरफ है, वर्शिप कर रहे हैं ध्यान मोबाइल की तरफ है। नो, अगर आपने वर्शिप करनी है और आप अपने जीवन में बड़ी चीजों को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के वंडर्स को देखना चाहते हैं, तो सीधा ध्यान करो परमेश्वर की ओर, पूरा मन लगाओ परमेश्वर की ओर। कि जब आज हम वर्शिप करेंगे, जब आज हम वर्शिप करेंगे, प्रेयर करेंगे, वचन सुनेंगे, तो आत्मा में रहते हुए आप देखना, ऐसा करके देखना आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू होगी। परमेश्वर आपको और बड़ी रीति के साथ, जो आपकी बुलाहट है, जो आपकी कॉलिंग है, वो आप अपने जीवन के ऊपर रिसीव करेंगे। परमेश्वर आपकी कॉलिंग को आपके ऊपर जाहिर करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं थैंक्स करता हूँ, आज के मिरेकल्स के लिए जो आप मेरे जीवन में करने वाले, आज के वचन के लिए जो होने वाला है, उस वचन के द्वारा आज मेरा जीवन चेंज हो जाए, मैं सेम वापिस ना जाऊं। परमेश्वर आज मैं आपके घर में हूँ, आपकी हजूरी में हूँ, आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, मेरे जीवन में जो घटिया है वो दूर हो जाए, ताकि मैं बढ़ चढ़ के मेरे कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब वर्शिप में जाएंगे। तेरी महिमा करदा रहांगा, महिमा करदा रहांगा, सुबह ते घर शाम यीशु जितने मेरे साथ, यीशु सारे तेरे नाम
यीशु जिन्ने मेरे सायसु सारे तेरे नाम यीशु दुखा विच आके मेरे दर्द बनोदा खुशियां च आके मेरी खुशी नू वधोना दुखों विच आके मेरे दर्द बनोदा खुशी विच आके मेरी खुशी नू वधोना हुण तू ही मेरा तू ही मेरा बाप ते तू ही मेरी माँ यीशु जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु मेरे साथ सारे तेरे नाम यीशु सभी फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर से कहें परमेश्वर ये मेरे जितने भी सांसें हैं ये मेरी जिंदगी मेरी लाइफ परमेश्वर मैं तुझे सौंपता हूं खुदावन मैं अगर सांस लूंगा खुदावन तो तेरी हजूरी में लूंगा खुदावन अगर मैं सोचूंगा तो तेरे कामों के बारे में सोचूंगा खुदावन अगर मैं बोलूंगा तो खुदावन तेरी वर्षिप को बोलूंगा खुदावन तेरे वचनों को बोलूंगा खुदावन अगर मैं सुनूंगा तो खुदावन तेरी आवाज को सुनूंगा उठाएं सब अपने हाथों को और सब कहेंगे जिन्ने मेरे साथ सारे तेरे नाम यीशु मेरे साथ सारे तेरे नाम यीशु दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोकां नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोकां नू सुनावा करांगा मैं कम वड्डे करांगा मैं कम वड्डे लेके तेरा नाम यीशु जिन्ने मेरे सा यीशु सारे तेरे नाम यीशु सारे तेरे नाम यीशु जिन्ने मेरे सायसु 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 सारे तेरे नाम यीशु तेरी महिमा करदा रवांगा महिमा करदा रवांगा मैं सुबह ते कर शाम यीशु जिन्ने मेरे सा यीशु सारे तेरे नाम यीशु मेरे सा यीशु सारे तेरे उसकी
दुखा विच आके मेरे दर्द बढ़ाउंदा खुशियां च आके मेरी खुशी नू बढ़ाउंदा दुखा विच आके मेरे दर्द दुखा विच आके मेरे दर्द बढ़ाउंदा खुशियां च आके मेरी खुशी नू बढ़ाउंदा दुखा विच आके मेरे दर्द बढ़ाउंदा खुशी विच आके मेरी खुशी नू बढ़ाउंदा हुण तू ही मेरा बाप तू ही मेरा बाप ते तू यो मेरी मां यीशु जिंदे मेरे सार यीशु सारी तेरे नाम यीशु जिंदे मेरे सार यीशु सारी तेरे नाम यीशु तेरी महिमा करदा रवांगा महिमा करदा रवांगा मैं सुबह ते घर शाम यीशु जिंदे मेरे सार यीशु Yes, Lord. Yes, mere saare Yesu saare tere naam Yesu. Jitne mere saare Yesu saare tere naam Yesu. दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा उठाए अपने हाथों को हरे गाऊंगा खुदावंत मैं अपनी गवाही सारी दुनिया में जाके बताऊंगा खुदावंत उठाए अपने हाथों को क्योंकि जैसा आप गाते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होता है अगर आज आप कह रहे हैं कि जितने मेरे सा यीशु जितने भी मेरे सांस है खुदावन ये सारे तेरे नाम के लिए खुदावन ये सारे तेरी महिमा के लिए खुदावन अपने हाथों को उठाए और सब कहेंगे दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा अपनी गवाही सारे लोगों नू सुनावांगा करांगा मैं कम वड्डे करांगा मैं कम वड्डे लेके तेरा नाम यीशु जिन्ने मेरे सारे यीशु सारे तेरे नाम यीशु तेरी महिमा करदा रवांगा महिमा करदा रवांगा मैं सुबह ते घर शाम यीशु जिन्ने मेरे सारे यीशु सारे तेरे नाम यीशु जिन्ने मेरे सारे यीशु
लगदे प्यार विच दिन रात तो खेने यीशु कोल आजा बंदे रूह वाले तो फेरे जगदे प्यार विच दिन रात तो खेने यीशु कोल आजा बंदे रूह वाले तो फेरे जगदे प्यार विच दिन रात धोखे यीशु कोल आजा बंदे रूह वाले तोहफे ने जग दे प्यार विच दिन रात धोखे यीशु कोल आजा बंदे रूह वाले तोहफे हाँ जदों भी पुकारा तेनू ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਸ ਲਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਰੂਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਭਗਾ ਤੇ ਗਰਸ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਜਗ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੋਕੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਗ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਕੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਪੁਕਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸੁਭਗ ਤੇ ਗਰਿਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ
सारे तेरे नाम यीशु। तारीफ करें जोर से सत्य तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। जदों तक सीने मेरे करांगा तेरी मैं तेरे कदमों विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। जदों तक सीने च सा मेरे करांगा तेरी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। सभी ऑनलाइन ब्रांचेस, हर एक जन, हर एक भाई, हर एक बहन उठाएं अपने हाथों को सर की ओर, उसकी पवित्र हजूरी में वादा करें खुदा के साथ कि मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं अपनी ताउम्र अपने जीवन भर खुदावन तेरी सना तेरी हमदो सिताइश करूंगा। मेरे परमेश्वर हर एक हालातों में मेरे परमेश्वर मेरी ये जान खुदावन तेरी सना करती रहेगी। मेरे परमेश्वर मेरे ये होंठ खुदावंदा तेरे नाम को धन्य कहते रहेंगे। मेरे परमेश्वर जदों तक सीने च सा मेरे करांगा तेरी बंदगी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। दुख सारे जिंदगी चो आपे मुक जानगे जदों तेरे हथां विच हथ मेरे आणगे। उठाए अपने हाथों को सब कहे दुख सारे जिंदगी चो आपे मुक जानगे जदों तेरे हथां विच हथ मेरे आणगे। रवेगी दिल च ना मेरे गुनाह वाली गंदगी मैं तेरे कदमा विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। जदों तक सीने च सा मेरे देनांगा तेरी बंदगी जदों तक सीने च सा मेरे करांगा तेरी बंदगी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए बंदगी तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा बंदगी। जदों तक सीने च सा मेरे करांगा तेरी बंदगी जदों तक सीने च सा मेरे करांगा तेरी बंदगी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। हाथ को उठा के कलीसिया ए खुदा मेरी तू है पनाह
जदों तक सीने च सावेरे करांगा तेरी बंदगी, जदों तक सीने च सावेरे बोले परमेश्वर से करांगा तेरी बंदगी, मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी, मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी। सभी भाई सभी बहने कहे मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन, तू मेरे हाथों को थाम ले मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरी हजूरी में आता हूं आती हूं मेरे परमेश्वर, तू मुझे थाम ले मेरे परमेश्वर खुदावन, हो सकता है अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं तो वो छूट सकता है मेरे परमेश्वर, लेकिन खुदावन अगर आप मुझे थामेंगे मेरे परमेश्वर तो वो कभी ना छूटने पाएगा मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरी फरियाद है आपसे, आज आप मुझे थाम ले मेरे परमेश्वर, अपने साथ साथ मुझे चलाए मेरे परमेश्वर, जैसे मूसा चला, हनूक चला मेरे परमेश्वर, अब्राहम चला मेरे परमेश्वर, मैं तेरी उंगली को पकड़ कर खुदावन तेरे साथ साथ चल सकूं, तेरे कामों को कर सकूं मेरे परमेश्वर। जब तू मेरे हाथों को पकड़ेगा मेरे परमेश्वर, तेरा वो दया वाला हाथ, सामर्थी हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर आएगा खुदावन, तमाम दुख बीमारियां परेशानियां मेरी जीवनों से जाती रहेंगी मेरे परमेश्वर। दुख सारे जिंदगी जो आपे मुक जाणगे, जदों तेरे हत्थां विच हत्थ तेरे आणगे, दुख सारे जिंदगी जो आपे मुक जाणगे, जदों तेरे हत्थां विच हत्थ मेरे आणगे, रवेगी दिल च ना मेरे गुनाहां वाली गंदगी, रहेगी दिल च ना मेरे गुनाहां वाली गंदगी, रवेगी दिल च ना मेरे गुनाहां वाली गंदगी, रहेगी दिल च ना मेरे गुनाहां वाली गंदगी, मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी, मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी। उठा के अपने हाथों को, ऐ खुदा मेरी तू है पना, ऐ खुदा मेरा तू है किला, बोले ऐ खुदा मेरी तू है किला, गाय क्लिसिया, ऐ खुदा मेरी तू है
यसू कदी वखरे नहीं सकदा मेरिया दुआवाना तू सदा में रखदा तेरे तो मैं यसू कदी वखरे नहीं सकदा मैं मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है खुदावन अब तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर तुझसे जुदा होकर मेरे परमेश्वर हमारा कोई वजूद नहीं है मेरे परमेश्वर हम चाहे अपनी जितनी मर्जी जोर लगाए जितनी मर्जी ताकत लगाए मेरे परमेश्वर कभी भी उन तमाम आशीषों को हासिल नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर जब तक तू हमारे साथ ना हो मेरे परमेश्वर खुदा बंदा मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूं आपकी हजूरी को मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर मेरे परिवार में मेरे परमेश्वर आपकी ये पवित्र प्रेजेंस आपका ये आनंद खुदावंद मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावंद मेरी आपसे दुआ है मेरे परमेश्वर अपने हाथों को हिलाए सभी बहने सभी भाई हो मेरी दुआ वाला तू सदा मान रखना तेरे तो मैं ये सूख दी वक्रे नहीं सकदा मेरी दुआ तू सदा मान रखदा तेरे तो मैं ये सूख दे वक्रे नहीं सकदा है मिली दी तेरे तो सदा मसीहा मेरी हर खुशी है मिली दी तेरे तो सदा मसीहा मेरे हर खुशी मिलदी तेरे तो सदा मसीहा मेरे हर खुशी मिलदी तेरे तो सदा मसीहा मेरे हर खुशी तेरे कदमा दे बिच सदा गुजारा गाए जिंदगी तेरे कदमा दे बिच सदा गुजारा गाए जिंदगी क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है
खुदावंदा आज मैं तेरी पवित्र हजूरी में अपने तमाम गुनाहों को छोड़ती हुई खुदावंदा अंगीकार करते हुए बोलता हुआ खुदावंद तेरी महिमा तेरी प्रस्तुति करता हूँ खुदावंद। रवेगी दिल च ना मेरे गुनाह वाली गंदगी, रवेगी दिल च ना मेरे गुनाह वाली गंदगी, मैं तेरे कदमा दे विच सदा गुजारा गाए गाए और इंग्लिश जगो तक सीने चुसा मेरे करांगा तेरी बंदगी, जगो तक सीने चुसा मेरे करांगा तेरी बंदगी, मैं तेरे कदमा दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी, मैं तेरे कदमा दे विच अपने हाथों को हिलाते हुए सभी और नाचें तक सीने जिसा मेरे करांगा तेरी बंदगी।
तेरे कदमों दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी मैं तेरे कदमों विच गुजारा गाए जिंदगी जदों तक सीने जैसा मेरे करांगा तेरी बंदगी अपने हाथों को उठा के बोले मैं तेरे कदमों दे विच सदा गुजारा गाए जिंदगी ए खुदा मेरी तू है पना ए खुदा मेरा तू है किला करें जोर से परमेश्वर की अपने हाथों को उठा के हर एक सर सब फॉरनर ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं जितने भी जन आज लाइव जुड़े हैं सब जन अपनी आंखों को बंद करें अपने हाथों को उठाएं और सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का सब आशीषों के लिए गिनिया ना जाने में तो भले आईया तेरिया गिनिया ना जाने में तो भले आईया तेरिया अपने हाथ को उठा के सब चल के की तेनू दसा मैं वडे आईया तेरिया की तेनू दसा गिनिया न जाने में तो भले आईया तेरिया जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां सब ने अपने हाथ को उठाए स्वर्ग की ओर कहे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन सब आशीषों के लिए खुदावन आज मैं जो भी हूँ खुदावन मैं सिर्फ तेरी दया से खुदावन अपने बच्चों के लिए अपनी अच्छी फैमिली के लिए खुदावन अच्छी जॉब के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावन अपनी आंखों को बंद करें सब जन के गिनिया न जाने में तो पले आईया तेरिया गिनिया न जाने में तो पले आईया तेनू दसा
परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ममतेश है, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की बड़ी अद्भुत गवाही देने के लिए जा रही हूँ। 2007 में मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मेरे बेटी हुई, फिर उसके बाद फिर से दो बेटियां और हो गई, मेरे पास तीन बेटियां हो गई। मैं चाहती थी कि मेरे एक बेटा भी हो, तो मेरे फैमिली वाले भी चाहते थे भी एक बेटा हो और हमारी फैमिली कंप्लीट हो। फिर हमने बेबी के लिए ट्राई किया कि चलो मेरे एक बेटा हो, तो फिर दुष्टात्मा के मेरे ऊपर अटैक होने लगे, सपने में दिखने लगे मरे लोग और मतलब मेरे साथ दुष्टात्मा गलत संबंध बनाता था सपने में। मैं बोलना भी चाहती थी, बोल नहीं पाती थी, भार पड़ता था बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर
मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती थी तो वो कहते थे मुझे तेरी आवाज़ ही नहीं आई है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी के ऊपर नील पड़े होते थे, मेरी बॉडी बहुत भारी हो ही रहती थी और मुझसे काम भी नहीं होता था और मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। बगैर बात के मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाइयाँ होने लगी थी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। तो दुष्ट आत्मा सपने में बोलता था कि तेरे मैं बेटा होने ही नहीं दूंगा और तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। तो मैं बड़ा परेशान होती थी कि मुझे क्या दिख रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो हमें लोगों ने बोला कि तुम भाई अन्य जगह पर जाओ। जब मैं अन्य जगहों पर गई तो वहाँ से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना दुष्ट आत्माओं के अटैक कम हुए, ना मैं बेबी कंसीव कर पाई। इस वजह से जो भी प्रेग्नेंट औरत होती थी वो मेरे पास भी नहीं आती थी, कहती इसके बेटियाँ होती, इसकी परछाई नहीं पड़ने देनी। मैं बहुत रोती थी और मतलब सोचती थी कि मेरे भी एक बेटा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी के 3 बेटियाँ हैं तो मतलब यही बोलते थे इसकी तो मम्मी, इसकी मम्मी के भी बेटे ही हैं और इसके भी बेटे ही बेटियाँ होंगी, इनके बेटा होगा ही नहीं। मतलब कि मैं मार्केट भी नहीं जाती थी, कुछ सामान लेने नहीं जाती थी, शर्मिंदगी सी फील होती। एक तो 3 बेटियाँ हो गई थी, लोग पूछते थे तेरे 3 बेटियाँ हैं और तेरे बेटा नहीं है, तो ताना सा लगता था। मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली बहुत टाइम तक। फिर एक दिन मैं YouTube पे देख रही थी तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की वीडियो चल रही थी और उसमें मैंने प्रभु के दास अंकुर नरोला जी वचन दे रहे थे। उस वचन में मुझे इतनी सच्चाई फील हुई कि सच्चा वचन है, ये कुछ है। तो मेरा मन किया कि मैं इसे दोबारा भी देखूँ। मैंने देखा कि ऑनलाइन वीरवार को भी आती है और संडे को भी आती है, तो मेरे अंदर से ना चाह हुई कि मैं इसको हर वीरवार हर संडे देखा करूं। तो मैं इसको ऑनलाइन देखने लगी तो मैंने गाहियाँ सुनी बहुत ज़्यादा, तो मेरा फेथ बढ़ा कि कितने बड़े बड़े काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं भी यहाँ जाऊं और भाई मेरी शर्मिंदगी भी दूर हो। तो मैं यहाँ आई, मैंने बड़ी शांति पाई वचन को सुन के, बहुत ज़्यादा प्रार्थना सुनी तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। जब मैं घर गई तो मेरी बॉडी एकदम हल्की थी और मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ वहाँ जाके। इसी तरह हम अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से जुड़े और खामरा चर्च में आने लग गए। फिर हमें ले हैंड के बारे में पता लगा तो मैंने ऑनलाइन वो ले हैंड का फॉर्म फिल किया। फिर जब 15 मई 2022 में मेरा ले हैंड का नंबर आया तो प्रभु की दासी ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। और जब प्रभु की दासी ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मुझे गरम, एकदम गरम फील हुआ कि कोई गरम चीज मेरे सिर पे से रख के मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और फील हुआ कि कोई चीज निकल के गई है, एक ब्लैक कलर की। मैंने महसूस किया उस चीज को कि हाँ मेरे अंदर से कोई चीज निकली है। फिर उस लैंड के बाद मेरे सारे दुष्ट आत्मा के अटैक्स खत्म हो गए, कोई मुझे गंदा ड्रीम नहीं आया, कोई सपना नहीं आया, कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो दुष्ट आत्मा से रिलेटेड था। मैं एकदम फ्री होगी उस लैंड के बाद। सितंबर में 22 में तो मेरा पीरियड मिस हो गया, तो मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। उस प्रेगनेंसी के दौरान परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए और मैं परमेश्वर के दास से बोल रही थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे बेटा हो। तो प्रभु के दास ने मुझे बोला कि डोंट वरी, आपके बेटा ही होगा और आप उसका नाम हर्ष शैमवेल रखना। और इस दौरान पर प्रभु ने मेरी 9 महीने तक मुझे सेफ रखा, मेरी प्रेगनेंसी सेफ रही। और 10 जून 2023 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब मुझे बेबी बॉय हो गया तो सब बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा फैमिली वाले सबको पता लगा तो सब लोगों ने ये बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता था और ये कैसे हो गया। तो एक दूसरे के जितनी भी मेरी फैमिली थी, मेरे रिलेटिव्स हैं, सबके पास बेटे थे, सिर्फ एक मैं थी एक बहुत बड़ी फैमिली में कि मेरे बेटा नहीं था। तो ये बात पूरी फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स में सबको पता लगी तो सब हैरान हुए, तो मतलब कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मैंने सबको बताया कि मैं वहाँ जाती हूँ और प्रभु ने मुझे बेटा दिया है। 3 बेटियों के बाद प्रभु ने मुझे बेबी से बॉय से ब्लेस किया है। और जैसा प्रभु के दास ने मेरे सपने में आकर बोला था कि तेरे बेटा ही होगा, उसका नाम हर्ष शैमवेल रखना, और मैंने उसका नाम हर्ष शैमवेल ही रखा है। और वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। अब मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता, घर का माहौल सब अच्छा है और सब आनंदित है। हमारे सब रिलेशन, मेरे हस्बैंड के मेरे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं।
और मैं अपनी बेटी अपनी फैमिली के साथ बहुत आनंदित हूँ। मैं उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनके बेबी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मेरी हार्ट डिज़ायर को पूरा किया है, ऐसे आपकी भी हार्ट डिज़ायर को पूरा करेगा। आप परमेश्वर में बने रहो, अड़े और खड़े रहो और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। जैसे ही इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इनको एक नया जीवन दिया। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 35 साल की है। जब मैं 15 साल के था तो मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पे जो मेरे क्लासमेट थे उनके साथ वो लोग गुटखे का नशा करते थे, तो मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप था। जब लंच टाइम होता था या फिर जब छुट्टी होती थी स्कूल की, रास्ते में जाते थे तो उस समय वो लोग गुटखा खाते थे। मैं उनके साथ रहता था तो मैं उनको गुटखा खाते हुए देखता था, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि आप भी खाओ, अच्छा लगता है। तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा थोड़ा गुटखा लेना स्टार्ट किया और फिर वो मैं थोड़ा थोड़ा खाते खाते पूरा एक पाउच खाने लगा, एक एक पैकेट गुटखा मैं भी खाने लगा स्कूल टाइम के बाद, रिसेस टाइम में। इस तरह से मेरी आदत गुटखे में बढ़ती गई। फिर गुटखे का नशा करते करते फिर मैं गांव में रहता था, जैसे मेरे गांव के लोग जो बीड़ी उड़ी पीते थे उनके साथ मैं घूमने टहलने जाता था बाग में खेत में, तो लोग बीड़ी पीते थे तो लोग बोलते थे कि यार तू भी बीड़ी पिया कर। फिर मैंने उनके साथ बीड़ी पीना स्टार्ट किया तो उसमें भी मेरी आदत पड़ गई, तो मैं बीड़ी पीने लगा और बीड़ी की लत इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं उसको रखने लगा अपने पास छुपा छुपा के। फिर मैं बीड़ी पीते पीते फिर मेरे दोस्त मिले जो दारू और सिगरेट का भी नशा करते थे, उन दोस्तों के साथ मैंने फिर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरा दारू पीने का मन करने लगा, मैं दारू भी पीने लगा, तो मेरे घर में किसी को नहीं पता था इस बात का। फिर मैं जो है दारू पीते पीते फिर मेरी नशा बढ़ने लगी, फिर मेरा दारू का डोज बढ़ने लगा, सिगरेट का भी डोज बढ़ने लगा और इस तरह से मेरी जो लाइफ थी ना वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे एकदम कमजोरी फील होती थी, टेंशन होती थी जब नशा नहीं मिलता था तो, और फिर उस नशा को करने के लिए मुझे जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। घर से इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं पढ़ाई भी कर सकूँ नशा भी कर सकूँ, इसलिए फिर मैं ना उस नशे के लत के कारण उसको पीने की जितना आदि हो गया था कि मुझे चोरियाँ करनी पड़ती थी। तो इसलिए जब मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं अपने घर में ही, मैं कभी मम्मी के पर्स से कभी पापा के पर्स से नशे भर के पैसे कभी 100 कभी 50 रुपए में चुरा लेता था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता था, पार्टियों में जाता था या कहीं घूमने जाता था तो उस समय मैं दारू बहुत पीता था। दारू पीने के बाद फिर मैं घर नहीं आता था ताकि मेरे घर वालों को पता ना चल जाए, और उस शराब के नशे में मेरा ना कभी कभी लड़ाई झगड़े भी बाहर के लोगों से हो जाता था। फिर जब 2012 में मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने ड्राइविंग का जॉब किया, मैं ड्राइवरी करने लगा, मैं गाड़ी चलाने लगा, तो मेरा जो है नशा और बढ़ने लगा। फिर मेरे पास जॉब हो गई तो मेरे पास पैसे आने लगे, फिर नशे भी बढ़ने लगे मेरे, तो मैं नशा करता था। फिर जब रिश्तेदार के यहाँ किसी पार्टी में जाता था, किसी के शादी में जाता था तो वहाँ मैं पीता था, और पीने के बाद जब मैं नशे में हो जाता था तो वहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती थी। फिर इस तरह से रिलेशन में नशा करते करते फिर मेरे परिवार तक खबर गई, मेरे परिवार वालों को पता चल गया, फिर सब ने मुझे बुला डांटा और मना किया कि शराब मत पिया करो, नशा मत किया करो, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं। तो मेरे अंदर अजीब सी उलझन होती थी, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं, जॉब करने की इच्छा नहीं, गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं,
कुछ भी बात करने का मन नहीं करता था। और फिर इस चक्कर में धीरे धीरे फिर मेरा जो है व्यभिचार में चला गया, गलत संगति में पड़ गया। फिर मोबाइल पे दिन रात लगे रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहना, दिन रात मोबाइल चलाना, घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ गाड़ी चलाना, पैसे कमाना और वो सारे पैसे नशे में उड़ाना, घर को एक पैसा नहीं देता था। इस तरह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो गए थे कि इसका क्या होगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नशे में चला गया, व्यभिचार में चला गया। मेरे रिलेशन वाले भी उल्टा सीधा बोलते थे, मेरे गांव के लोग, मेरे यार दोस्त लोग, वो सब मुझे नशेड़ी करके पुकारते थे। कई बार मैं ओवरडोज नशा कर लेता था तो मैं नशे में हो जाता था, बेहोश हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ, किस कंडीशन में हूँ। और फिर ये सब देखते हुए मेरी लाइफ को देख के यही लगता था कि ऐसी लाइफ को जीने से क्या मतलब है, जिसमें कोई सुकून नहीं है, सिर्फ नशा नशा, व्यभिचार, पाप, और मैं इस पाप से आज़ाद होना चाहता था। मैंने दो बार मरने की कोशिश की, एक बार मैंने नींद की 30 गोलियाँ खा ली एक साथ में कि मैं मर जाऊंगा तो इससे शराब के नशे से व्यभिचार से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मैं उससे भी नहीं मरा, सिर्फ 2-3 दिन तक सोता रहा। फिर उसके बाद मैंने एक बार रेलवे ट्रैक पे जाके सुसाइड करने की कोशिश की। फिर ये सब देखते हुए मेरे घर वाले भी मुझे बहुत बोलते थे कि तुझको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया तो कुछ करता नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं करता है, तेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, तेरा घर परिवार कैसे चलेगा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तभी ये तेरा ये हाल है, तो शादी के बाद तेरा क्या हाल होगा, तो अपने घर को परिवार को कैसे संभालेगा, कैसे चलाएगा। इस तरह से मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे। फिर भी मैं कोशिश तो करता था लेकिन मैं इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा था। लोग मेरे जीवन को देखकर मुझे नशेड़ी कहते थे, मुझे व्यभिचारी कहते थे, और जो मेरे जानने वाले थे जिनके बच्चे थे वो बोलते थे कि भाई इनके साथ मत रहा करो, नहीं तुम्हारी भी आदत ख़राब हो जाएगी, तुम भी नशेड़ी हो जाओगे, इसके जैसे हो जाओगे तुम्हारी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो वो लोग मुझे अवॉइड करने लगे। मैंने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं नशा छोड़ नहीं पाता था। फिर हमारे जलंधर में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, फिर वो हमारे घर आए और उन्होंने हमको अंकुन नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप वहाँ पे आइए और वहाँ आपको छुटकारा मिलेगा, आप नशे से आज़ाद हो जाएंगे, आप डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर जब मुझे अंकुन नरूला मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया तो मैंने उस यूट्यूब पे ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया, माउंटेन प्रेयर देखता था और थर्सडे संडे मीटिंग देखता था, और फिर उसमें मैं गवाहियाँ सुनता था, लोगों को चंगा होते हुए देखता था, तो मेरा विश्वास बढ़ता गया और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी खामरा चर्च जाऊँ और वहाँ जाने के बाद मैं भी छुटकारा पाऊँगा। फिर मैं 1 फरवरी 2023 को जब मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चर्च में आया और उस दिन जब प्रभु के दास ने खास नशे वालों के लिए प्रार्थना की तो मैंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। Be healed in Jesus name. छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है यूथ। जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो मेरे शरीर में एकदम गर्माहट सी महसूस हुई और मैं गिर गया। उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे हल्का फील हुआ और उस दिन से मैं इस नशे से आज़ाद हूँ। उस प्रेयर के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, ना गुटखे का, ना बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना तंबाकू का, ना शराब का, ना गांजे का, किसी भी प्रकार का अब नशा मेरे जीवन में नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। अब मैं परमेश्वर में चलता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और मैं हर तरह से मैं आज़ाद हो गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मैं नशे से आज़ाद हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे फैमिली में खुशियाँ हैं। जितने मेरे भाई नशों में हैं वो जीवित चर्च का हिस्सा बने और परमेश्वर पे विश्वास करें, अपने जीवन से, हर एक नशे से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाएं। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया उसी तरह से मेरा विश्वास है कि आप सबको छुटकारा मिलेगा। जो लोग मुझे नशेड़ी बोलते थे अब वो मुझे देखते हैं तो सोचते हैं कि यार तू कितना बदल गया, कैसे बदल गया, कहाँ जाता है, क्या किया तुमने, वो लोग पूछते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं जीवित चर्च का हिस्सा बना, परमेश्वर की हुजूरी में गया, परमेश्वर पे विश्वास किया, उनकी वचनों पर मैं चलता हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। अभी मैं भी खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है, मेरे सारे रिलेटिव खुश हैं। अब मुझे कोई नशेड़ी नहीं कहता है, कोई मुझे भरा बुरा नहीं कहता, सब मुझसे खुश रहते हैं। और मेरी इच्छा यही है कि सब परमेश्वर की महिमा करें, सब परमेश्वर पर विश्वास करें ताकि अपने जीवन में बड़ी चंगाई को, बड़े उद्धार को पाएं और बड़ी गवाही के साथ
चर्च में आए। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का और प्रभु के दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। की तेनू दसा मैं वड्याईयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्याईयां तेरियां, गिनियां न छाड़ मैथों। यस, सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब भाई सब बहनें अपनी आंखों को बंद करके, जितने भी ऑनलाइन ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, गिणियां ना छाड़ में तो भले आइया तेरियां, गिणियां ना छाड़ में तो भले आइया तेरियां, चुक खाक विचों तख्त बिठाउण वाला है, साडी जिंदगी नू तो यू बदलाउण वाला है, साडी जिंदगी नू तो बदलाउण वाला है, सादी जिंदगी नू तू बदलाउण वाला है, तेरे चन तारे बाद छाइयां तेरियां, हो तेरे चन तारे बाद छाइयां तेरियां, गिणियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां, गिणियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां, हाँ गिणियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां, तेनू दसा मैं वड्याईयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्याईयां तेरियां, हाँ की तेनू दसा मैं वड्याईयां तेरियां, गिणियां ना जान मैं तो वड्याईयां तेरियां, सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रिया, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रिया, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रिया, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रिया, तायो लोकी देंदे ने गवाईयां तेरियां, ओ तायो लोकी देंदे ने गवाईयां तेरियां, गिणियां ना जान में तो भले आइयां तेरियां, गिणियां ना जान में तो भले आइयां तेरियां, हाँ की तेनू दसां मैं वड्याईयां तेरियां,
ਹਟੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੋ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਗਿਣੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਗਿਣੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰ ਮੈਥੋਂ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸਬਜਨ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋ ਉਠਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਮੈਂ ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪੇ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਕੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਆਤਮਾ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਤੋ ਆਈਏ ਇਨ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਕੋ ਇਨ ਗਵਾਹੀ ਕੋ ਹਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਹਮ ਸੁਣੇਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਪਲਕ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰਪੁਰ ਯੂਪੀ ਕੇ ਯੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਨਕੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਤੋ ਆਜ ਯੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਤੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਇਨਕੀ ਕਿਆ ਗਵਾਹੀ ਹੈ
सबको जय मसीह की। मेरा नाम पलक है। मेरी गवाही है कि मेरी शादी सन 2022 में हुई थी। मैंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव की तो मुझे ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमने एक से दो डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने इसके कारण मेरी वीकनेस को बताया, मुझे मेडिसिन का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। उसके बाद किसी ने हमें अंकोनेरुलर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, फिर हमने यहाँ आना शुरू किया। यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रेयर की, मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के, जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि जब मार्च 2022 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो दूसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो चुका था। नवंबर 2022 में दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर से मिसकैरेज हो गया। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 14 दिसंबर 2022 को इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहने इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको, इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद इनको जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया पॉजिटिव आया, उसके बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा जो है 6 महीने का हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें कि वो 2 मिसकैरेजेस जो इनके हुए थे उस शर्मिंदगी से खुदा ने आजाद किया और आज पूरी तरह से ब्लेस्ड है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित है और ये लेस्टर ब्रांच की गवाही है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सारे टू जय मसीह जी, मेरा नाम रोहित है ते मैं लेस्टर ब्रांच तो हाँ ते जो मैं 17 साल का सी ते मैं उदो तो ही मतलब कि नशे करता सी ते नशे च फस चुका सी मैं। शराब सिगरेट मैं कुछ नहीं सी छड़दा हुंदा ते होर भी जी कोई छोटा मोटा नशा लभना ते मैं ओह भी कर लैंदा रहा सी। हर एक तरह दा नशा मैं ट्राई कर ही लैंदा सी ते करदे 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 वधदा गया काम ते मैं हौली हौली खामरा चर्च नाल जुड़िया 2022 दे विच ते फिर मैं प्रे नूं रिसीव करना स्टार्ट कीता ते फिर उस तों बाद अज 1.5 साल तों बाद हो चुक्या है ते मैं नशे तों बिलकुल आजाद हां। इसलिए मैं थैंक्स टू जीसस एंड थैंक्स टू माई स्पिरिचुअल पेरेंट्स। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि 2019 से ये भाई ने नशा करना स्टार्ट किया। दिन में एक बोतल शराब की और सिगरेट का ये नशा करते थे और नशा ये करके ये भाई गलियों में गिरे रहते थे और साथ ही ये भाई व्यभिचार में चले गए। लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी और पूरी तरह से परेशान थे नशों की वजह से। और फिर किसी ने अंकुनरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत हो गई। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये भाई उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर पिंकी की सुनते हैं। ये बहन न्यू शास्त्री नगर पठानकोट के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 19 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इतना ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि ये सोचते थे कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में।
की, मेरा नाम पिंकी है। 2005 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मुझे दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग, शमशान घाट दिखाई देते थे। सपनों में मेरे गलत रिलेशन बनते थे और दबाव पड़ते थे। हर समय मुझे ऐसा लगता था जैसे काला साया मेरे पीछे खड़ा और मुझे मार देगा। मैं बीमार रहने लगी। 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रॉब्लम के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, मैं रोती रहती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम खामरा चर्च जाओ। जब मैं खामरा चर्च गई, गवाहियों को सुना, तो मुझे लगा कि जैसे ये लोग हील हो रहे थे, मैं भी हील हो जाऊंगी। हॉस्टल जी ने प्रेयर की, हर एक गंदी स्पिरिट को डांटा। मैंने वो प्रेयर रिसीव की। फिर उसके बाद मेरी बॉडी में गर्माहट हुई और उस दिन के बाद मैं आज तक हील हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 19 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे, सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग, शमशान घाट दिखाई देते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे इनके मन में, गलत ख्याल आते थे, इनको ऐसा लगता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए थे। और फिर इनको किसी ने अंकुनुलाम निश्चय के बारे में बताया। फिर 15 नवंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब अंधकार की शक्तियां, जादू, टोना टूट जाए। बाय फायर, बाय होली गोस, बाय होली गोस, होली गोस, रिलीज करो होली गोस फायर। जादू, टोना, अंधकार की शक्तियां, होली गोस, जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, होली गोस, हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर पर कब्जा कर रही, होली गोस, होली गोस, होली गोस, होली गोस, रिलीज करो होली गोस फायर। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी समय जब इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा इन्हें उसी समय छोड़ के गया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 3 साल 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हैं। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आई एम अगली गवाही ब्रदर पिक्का विलेज को गांव बटाला से रहने वाले इस भाई की गवाही। 23 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब और बीड़ी का नशा करते थे, तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे नु जैम सी दी, मेरा नाम बिक्का वा। 23 साल पहले फिर मैं 4-4 बंडल बीड़िया दे पीन डै पिया, 2-2 बोतल शराब दे पीन डै पिया। फिर मैं गलत संगति दे विच चल गया। अद्धी कमाई जिहड़ी मेरी नशे दे विच ही लग जांदी रही है। ते मैं घर लड़ाई झगड़ा रहिंदा है। मेरे घर दे जड़े बड़े परेशान है, मैं बड़ा परेशान हाँ, पर नशा मैं छड़ना चाहुंदा पर छुटदा नहीं। फिर मेरे दोस्त ने फिर मैनूं दस्सिया, चर्च बारे बताया। मैं लगातार चर्च आउंदा रहा, मैं नशे तों ना आजाद हां। इस गवाही दी मैं खुश हां। सारन जैम सी तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 27 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की दुष्टात्मा निकला, नशे की दुष्टात्मा निकला, जादू की आत्मा निकला, बीमारी की सब आत्मा निकला। और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, तो ये भाई बता रहे कि परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने उसी समय इस भाई को छुआ, उसी समय परमेश्वर का स्पर्श इन्हें मिला, और उसी समय वह नशे का दुष्टात्मा इस भाई को छोड़ के गया। और अभी भाई 1-3 साल 1 महीने से पूरी तरह से नशे से पूरी तरह आजाद है। सब जन अपने हाथ तक उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह से अगली गवाही ब्रदर गणेश की सुनेंगे। ये भाई वेस्ट बंगाल से हैं। पिछले 10 साल से ये भाई नशों में जाने के कारण ये पूरा दिन नशे में रहते थे। ये एक बोतल शराब सिगरेट का नशा करते थे। जब इनको नशा बिल्कुल नहीं मिलता था तो इनको तलब लगती थी। ये अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नशों में उड़ाते थे। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले इनकी गवाही, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम गणेश चौधरी है। इस भाई की ये गवाही की 27 साल के उम्र से, यानी कि 2014 साल से इस भाई ने गलत संगति में जाकर नशा करना स्टार्ट किया। ये भाई एक ही दिन में एक बोतल शराब का, आधा पैकेट खैनी का और कभी कभी सिगरेट का नशा किया करते थे। ये भाई इनकी नशा आमतौर पर बढ़ती गई और ये भाई कैटरिंग का काम करते हैं
और ये भाई जो भी कमाते थे उसका आधा हिस्सा ये नशे के पीछे उड़ा देते थे। नशे के साथ साथ इस भाई को गलीचा का भी अटैक हुआ और ये भाई हर टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे और जब लड़कियों को देखते थे तो इनके मन में गलत सोच गलत विचार आता था और ये भाई लड़कियों के साथ फोन पर बातें भी करते रहते थे और इसी दौरान इस भाई की नशे इतना ज्यादा बढ़ गई कि इनको हर टाइम नशे की लत लगती थी और इस नशे के कारण और ये नशा छोड़ना भी चाहते थे पर नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। इसी कारण वह डिप्रेशन में भी चले गए। ये अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इस भाई को सुसाइडल थॉट्स भी आता था और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसी दौरान ये भाई एक दिन यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे थे और इनको अकूट नर्मदा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर एक दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की उन्होंने सामर्थ्य प्रेयर को अपने फेथ के साथ रिसीव किया। उसके बाद इनको एक ठंडक महसूस हुई हल्कापन सा महसूस हुआ और उसी दिन से ये बिल्कुल भी नशा नहीं कर रहे। बिल्कुल नशा छूट चुका है इनका। कोई ना भी चाहे इनके लाइफ में परमेश्वर इनको आजाद किया। एक बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को उठा के। फिर इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। नशे की आत्मा, डिस्ट्रक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, इनको ठंडक फील हुई, वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। आज ये भाई 3 महीने 14 दिन से बिल्कुल फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस बोलेंगे। आइए नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनेहा है और ये गुरदासपुर के विलेज गुवाहरा नियर कलानौर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 2021 में जब मैरिज हुई उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे और काफी ज्यादा इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। इनके मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सारे जानसी इस सिस्टर का नाम सुनिया इनकी टेस्टिमनी है कि 20 जनवरी 2021 इन्हां दी मैरिज हुई। मैरिज दे एक मंथ बाद सिस्टर प्रेगनेंट हुई। इन्हां को दुष्ट आत्मा दे अटैक होने लगे। इन्हां दबाव पैंदे सीगे, सपने विच मुद्दा लोक दिखाई दिंदे सीगे, इन्हां नूं डर लगदा सीगा, गुस्सा आउंदा सीगा। जदों प्रेगनेंट हुई प्रेगनेंसी दे 3rd मंथ बाद इन्हां नूं सपना है, सपने विच इन्हां नूं ब्लीडिंग हुई। नैक्सट डे सेम इन्हां नूं ब्लीडिंग हो गई और इन्हां दा मिसकैरेज हो गया। फिर सैकंड टाइम इन जनवरी 2022 विच फिर तो प्रेगनेंट हुई। प्रेगनेंसी दे 15 दिन बाद इन्हां नूं फिर पहले वर्गा सपना आया और फिर इन्हां नूं ब्लीडिंग मिसकैरेज हो गया। 3rd टाइम June 2022 विच ए फिर तो प्रेगनेंट हुए। फिर पहले वो सपना आन करके इन्हों नूं ब्लीडिंग हो गई और इन्हों दा मिसकैरेज हो गया। बेबी ना आन करके सिस्टर परेशान रहिंदे सीगे, रोंदे रहिंदे सीगे, किसी नाल गल नहीं करदे सीगे। इन्हां ने डॉक्टर दे कोल गए। डॉक्टर ने इन्हां बेबी कंसीव होण दी मैडिसिन दित्ती। इन्हां 2 साल लगातार मैडिसिन भी खाधी, 7 डॉक्टर भी चेंज कीते, फिर भी इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पिया। चर्च नाल पहला तो जुड़े हुए सीगे। फिर इन्हां ने प्रेयर नूं सीख दित्ता। प्रेयर करन दे नैक्सट मंथ बाद ही फरवरी च ए सिस्टर प्रेगनेंट सीगे। 9 महीने इन्हां दी प्रेगनेंसी सेफ रही। फिर 4 अक्टूबर 2023 नूं परमेश्वर ने इन्हां नूं हेल्थी बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस कीता। हुण इन्हां दा बेबी 6 महीने 10 दिन दा हो चुके। टेस्टिमनी परमेश्वर दा। थैंक्स कर। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि इस बहन का 3 बार जो मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, हर तरह की मेडिसिन इलाज करवा के सब कुछ देख लिया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब 22 जनवरी 2023 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। पहले बदरूहों को चलने का हुक्म देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी बदरू हैं यीशु मसीह के नाम में, सब आज को सुने और निकल आए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उल्टियों के द्वारा, वॉमिटिंग्स के द्वारा बाहर आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ जब इस बहन ने चेक किया, ये 4th बार जब प्रेग्नेंट हुए तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जिस तरह 3 बार इनका ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था, प्रेगनेंसी होती कुछ महीनों के बाद मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन इस बार जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद जो प्रेगनेंसी हुई, फिर कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ती जाती हैं जब मैरिज के बाद। इस बहन ने बताया था कि 3 बार इनका जो मिसकैरेज हो चुका था,
दवाइयां खाई, साथ डॉक्टर चेंज किए, फर्क नहीं पड़ा और काफी ज्यादा ये परेशान थे। आप जानते हैं कि अगर आप भी किसी ऐसे जन को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उनको सुसमाचार दो, उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ, उनको लेके आओ चर्च में, आप बिलीव करें वो ब्लेस होके वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस, बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम दिलप्रीत है और ये फतेहपुर पठानकोट के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सारे जेएमसी जी, आज तो 7 साल पहला मेरे बेटे दे दुष्टात्मा दे अटैक होने शुरू हो गए। सुपनिया विच इनू दुष्टात्मा डराउंदी सी, दबाव पैंदे रहिंदे सी, डरदा सी। इनू इन्नी क खांसी ज़्यादा हुंदी सी कि जिदा टॉयलेट भी बाहर आ जाती सी, रोटी भी खानी वह भी नहीं पचनी, उल्टियाँ आ जाती सी, कुछ भी नहीं सी पचता, जो भी कुछ खाना उल्टियाँ द्वारा सब कुछ कट देना। असी 10 तो 15 डॉक्टरों नू दिखाया, वधिया तो वधिया डॉक्टर नू भी दिखाया, दवाइयाँ बहुत खिलाईया पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर एक दिन फोन चलाते चलाते मैंने यूट्यूब द्वारा खांबरे चर्च वाले पता चलिया। फिर मैं धारीवाल क्रूसट दे गई अपने बच्चे नू नाल लैके, उस दिन तो पॉजिटिव जे प्रेयर की। उस दिन तो बाद मेरा बच्चा बिल्कुल प्रॉपर हील हो गया, ठीक हो गया, हूँ वधिया आ, हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल हील है, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं। तारीफ करे सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इस बच्चे की गवाही है कि 7 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और घर में खून के छींटे आते थे, दबाव पड़ते थे, आवाज़ बंद हो जाती थी और इसी के कारण ये बीमार रहने लगे और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था और सांस भी इन्हें प्रॉपर नहीं आती थी। और 15 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ज़्यादातर ये बेड पर ही रहते थे, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, फैमिली के सहारे ये चलते थे और इतने ज़्यादा ये परेशान थे इस बीमारी के कारण। और फिर एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे और उससे इन्हें अंकुर नरुला मनीसी के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर 8 मई 2018 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य की प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर मनप्रीत कौर की सुनते हैं। ये बहन विलेज मोजा डिस्ट्रिक्ट मानसा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज 2014 में हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां थी और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे और ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और ये मोजो मत्ती दी रहने वाले हैं। इन्हां दी गवाही है कि 2014 दे विच जब इन्हां दी मैरिज हुई, मैरिज तो बाद इन्हां दी 2 बेटियां हुई, इन्हां दी हार्ट डिजायर सी कि साडी बेबी बॉय होवे। लोग रिश्तेदार इन्हां नूं हमेशा यही ताने मारदे सी कि तुहाडे घर कदे भी बेटा नहीं हो सकता। और जदों इन्हां ने किसी ने अंकुर नरुला मिनिस्ट्री बारे दस्या तां इन्हां ने लगातार जाना शुरू किया। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਗਰਭ ਕੋ ਵੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਔਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਤਾ ਹੁਆ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕੀਆ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਕੋ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਥਾ ਵੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਕੋ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਖਾ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਕੋ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬੋਆਏ ਕੇ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕੀਆ। ਇਸ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸਭ ਜਣ ਇਸ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ, ਸਭ ਜਣ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾ। ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੇਥ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਆ। ਆਈਏ ਹਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। जिनके बेबी नहीं बड़े पेट पे हाथ रखो, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल, आशीषित हो जाओ और भर जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, कंसीव करे, कंसीव करे, खुदावंद के वचनों को फॉलो करे, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, गुणा हो जाओ और भर जाओ आशीष के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है चर्च। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और 1 मंथ के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए, 9 मंथ परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। फिर 20 नवंबर 2020 को
इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सबजन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सबजन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगले गवाही सरी चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम शरण है। इस भाई की गवाही के पिछले 20 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई बता रहे कि ये भाई एक दिन में 6 बोतल बियर के और हाफ से ज़्यादा बोतल शराब का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम शरण है, मैं सरी कनाडा ब्रांच से जुड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि मैं 20 साल से नशा करता था और मेरा नशा छूट नहीं रहा था। रोज़ का मेरा 6 बोतल से ज़्यादा बियर हो जाता था और आधी बोतल से ज़्यादा शराब हो जाता था। तो लास्ट ईयर जब हम टोरंटो क्रूसेड में गए थे, वहाँ पर अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने छुटकारे सॉन्ग में कहा था कि आपकी बॉडी को डिलीवर होते देख रहा हूँ। तो उसी समय मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन से मेरा छुटकारा हुआ और डिलीवर हुआ। मैं इस बड़े गवाही के लिए अंकुर नरुला जी को धन्यवाद देता। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 2 जून 2023 को कनाडा क्रूसर में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। इस छुटकारे के गीत में फिर घोषित करता हूं, आपकी बॉडी डिलीवर हो चुकी, फाइनेंस डिलीवर हो चुका है, आपकी चर्च डिलीवर हो चुकी है। आमीन ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को गया, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा किया जाति के लिए, ये भाई बता रहे कि इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उन वर्ड को ग्रहण किया और उसी समय वह नशे का गंदा दुष्टात्मा, 20 साल पुराना दुष्टात्मा इस भाई को छोड़ के गया। अब ये भाई पूरी तरह से नशे से पूरी तरह आजाद हो चुके, अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। अपने हाथों को उठाकर सबजन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सबजन। आई हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सागर है और ये भाई CNI चर्च अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। और 1 साल 4 महीने पहले इस भाई के ऊपर ऑयल चोरी करने का झूठा केस पड़ गया था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ये गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सबको मेरे नाम से जय मसीह। मेरा नाम सागर है, मैं अंबाला के रहने वाला हूँ। 17 जनवरी 2023 को मेरे पर कोर्ट केस हुआ। तो मैं ऑयल लेके आ रहा था तो एटेंडर मेरे को बिल नहीं था, तो नेक्स्ट डे मेरे पर अपना उन्होंने अरेस्ट किया और कोर्ट केस हो गया मेरे पर। उसके बाद मैं अपना डिप्रेशन में चला गया क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरे साथ क्या हो गया, मुझे सुसाइडल थॉट आते थे। और एक दिन पॉस्टर जी ने मतलब प्रेयर मीटिंग में बोला कि अपने कोर्ट केस की फाइल उठाओ। मैंने अपनी फाइल उठाई, खुदा के सामर्थ्य ने मुझे टच किया, मेरी फाइल को टच किया और उसके 1.25 साल के बाद मैं कोर्ट केस से आजाद हूँ। सफर को जेल से तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए। सबजन थैंक्स करें। फिर 17 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी फाइल्स इस एटमॉस्फेयर में हिलाओ उनको। मैं घोषणा करता हूं जो दुकानों की फाइल, जो नाम, जो फाइलें, जो बीमारी की सभी रिपोर्ट्स की फाइलें, किसी भी तरह की फाइल जो आपके हाथ में, आप उसे हिला रहे हैं। परमेश्वर का मसा उसे छुए और केस हल हो यीशु के नाम। रुके हुए केस हल हो यीशु के नाम में। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। फेवर आए यीशु के नाम में। इंसान, मनुष्य, परमेश्वर सबका अनुग्रह आप पे हो यीशु के नाम में। मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आप पे आए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सब धाराएं कैंसिल हुई, कोर्ट केस जो था वो कैंसिल हुआ और 1 महीने से उस कोर्ट केस से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, परमेश्वर ने लोगों का अनुग्रह किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम रूबी है और ये सरी ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही के 6 महीने से ये कनाडा में रह रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते से ये बहन के नोज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पता, ये लगातार NM मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार ब्रांच में आते रहे
और फिर 24 मार्च 2024 को मीटिंग में इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अपने नोज के ऊपर अप्लाई किया, तब परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और नोज के रोग से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अगली गवाही को हम सुनेंगे, ये गवाही टोरंटो ब्रांच से है, इस भाई का नाम राजकुमार है और इनकी गवाही के 6 साल पहले ये भाई कनाडा गए और पिछले 1 साल से इन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इन्हें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, इनका काम डिले में जा रहा था, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की महत्ता के बारे में बताते थे तो ये अपने बीज को बोते रहे और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और बीज बोने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इनके जीवन में काम किया और इन्हें पीआर के साथ ब्लेस किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही को हम सुनेंगे, इस बहन का नाम शहनाज है और ये बर्मिंगम ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही की ये बहन 2018 से एनएम के साथ जुड़े हुए हैं और 2022 से ये फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने 2022 में कनाडा की फाइल लगाई मगर रिफ्यूज़ल मिली और जब भी ये अपोस्टल जी प्रार्थना करते थे कि आपकी वीज़ा फाइल ब्लेस है तो ये उन प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ पूरे विश्वास के साथ रिसीव करते रहे और उनको प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने यूके की फाइल लगाई और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर हुआ और परमेश्वर ने इन्हें 5 साल के यूके के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, इन ब्लेसिंग्स के लिए जोर से तारीफ करें। अगली गवाही ब्रदर मोहित, ये मॉन्ट्रियल ब्रांच की ये गवाही है और 6 महीने पहले ये भाई कनाडा गए थे, उसके बाद से ये भाई कनाडा में वर्क परमिट पर चाहते थे, फिर इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जो कि 2 या 3 वीक में आ जाता था लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, मॉन्ट्रियल ब्रांच में जाते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और बीज को बोने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं अपने हाथों को उठा के। अगली गवाही अवंतिका सिस्टर की है, इस बहन की गवाही कि 11 महीने पहले इन्होंने कार लेने के लिए 70 लाख रुपए का लोन लिया था जिसमें से सिर्फ 2 लाख ही इनका खर्च हो पाए थे और इस कर्जे के कारण अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और उस विश्वास को देकर, इनके बीज बोने को देकर परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और उस कर्जे को ख़त्म किया, इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही सरोज की, ये टोरंटो ब्रांच से हैं और अगली गवाही को हम सुनेंगे, सिस्टर सरोज ये टोरंटो ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही की इनके फादर यूके में रहते हैं और ये बहन अपने फादर को 25 साल से मिलना चाहते थे लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार अपने बीजों को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें 6 महीने के यूके के विजिटर वीज़ा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को आशीषित कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। यीशु तू है शाफी गुनाह की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छुपने की तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी, बिना
या तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। ओ करूंगा स्तुति रू से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रू से मैं तेरी। छिपने की तू है तू है मेरी जिंदगी। लाता हूँ ईमान तुझ पर, तू
Ooh.
मुझे तेरी जरूरत है।
जरूरत है अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वर्शिप करते हुए उसके नाम की तारीफ करते अपने हाथों को हिलाओ। तारीफ करते हुए खुदावंद की जोर जोर से खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए खुदावंद के नाम को तारीफ देते हुए उसके नाम को ऊंचा करते हुए थैंक यू जीसस। आज जितना वचन खुदावंद तेरे लोग सुने 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। यीशु मसीह का आत्मा आपको हील करे इन वचनों के द्वारा, डिलीवर करे इन वचनों के द्वारा। आपका स्पिरिचुअल टैंक फुल ऑफ फायर हो यीशु मसीह के नाम। खुदावंद आप अपने अभिषेक से आपको भरे, पहले से दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज उतरे। अभिषेक करते मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। खुदावंद तेरा अभिषेक आज एक जन पे आए, अपने सिरों पे हाथ रख लें। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, खुदावंद की हुजूरी हमारे बीच में है। खुदावंद की प्रेजेंस के साथ आप उसकी शांति के साथ उसके मसीह के साथ भर रहे हैं। मैं खुदावंद की शांति उसके पीस को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपकी लाइफ में वो बड़े फलों को लेके आएगा। आज आप जो सुन रहे हैं ये सेकंड पार्ट वचन का, फर्स्ट पार्ट आपको मॉर्निंग का वचन सुनना है ताकि ये पार्ट आपको पूरी रीति के साथ समझ में आ सके और आपको ये समझ आ सके कि क्यों हमें परमेश्वर के वर्ड के ऊपर हमें चलना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। बाइबल जो कि परमेश्वर के द्वारा उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हमें परमेश्वर के हार्ट को बताती है और ये दिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। आदम जब अदन के बाग में परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया कार्य कर रहा था, जिस तरह आपको परमेश्वर ने कार्य सौंपा है, आदम को परमेश्वर ने अलग कार्य सौंपा था, आपको अलग कार्य सौंपा है। आपका कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति में उनसे कहा था कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। ये आपका कार्य है और वचन कहता है कि जब परमेश्वर आदम को कार्य सौंपता है और आदम परमेश्वर का सौंपा हुआ कार्य कर रहा होता है, तो फिर परमेश्वर आदम के लिए सोचता है कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं और मैं इसको एक डिवाइन हेल्पर दूंगा। आज इंटरनेट के ऊपर हम मैरिजेस पर जोक्स देखते हैं, हस्बैंड वाइफ्स के ऊपर हम जोक्स देखते हैं और ये एक शैतान का अटैक है। आपकी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को, इसी धरती की मिट्टी को उसने गूंथा और जीवन का सांस फूंका।
मिट्टी की खासियत है कि उसमें बोया गया फल लाता है, चाहे वो कांटे बोए गए हों, चाहे वो आम बोया गया हो। तो आपके शरीर जो है वो मिट्टी का है और आपकी स्पिरिट में जो वचन बोए जाते हैं वो फलों को लेके आते हैं। अगर आज आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं तो किस तरह के नेगेटिव वर्ड्स मैरिजेस के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में बहुत से वर्ड्स, बहुत से चुटकुले आपको मिलते हैं। एक्चुअल में ये शैतान का प्लान है। शैतान इस रिलेशनशिप को बहुत कमज़ोर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आदम का हेल्पर एक औरत थी, एक हवा थी। एक औरत जो है वो एक आदमी के लिए एक डिवाइन हेल्पर के रूप में सिर्जी गई है और उसके कार्य को वो आसान करती है और उसको स्ट्रेस फ्री करती है। लेकिन जब आदम, जब एक बंदा, जब एक इंसान परमेश्वर के साथ जब वफादार नहीं रहता, तो परमेश्वर भी उस डिवाइन हेल्पर को नहीं दे पाता जो सच में उसके लिए सृजा गया है। वो शादी करता है लेकिन वो उसका मास्टर प्लान परमेश्वर का नहीं होता जिससे वो शादी करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में, स्टडी ये कहती है कि वो बच्चे जो अपनी माता और पिता से जिन्होंने प्रेम लव रिसीव किया है, कम डिप्रेस्ड हुए हैं जब वो जवानी में आए हैं दूसरे बच्चों से। उनके डिप्रेशन में जाने की जो परसेंटेज है वो दूसरे बच्चों से बहुत कम है जिन्होंने माता या पिता के प्रेम को हासिल नहीं किया। आपकी मैरिज से पहले आपकी वाइफ, आपकी माता, आपके पिता वो आपके डिवाइन हेल्पर हैं। आपकी मैरिज के बाद परमेश्वर ने कहा अब ये मनुष्य माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर है। वचन कहता है उत्पत्ति 38 जो मैंने सुबह बोला था कि किस तरह परमेश्वर ने यहूदा के दोनों बच्चों को मार दिया क्योंकि वे यहोवा के लेखे दुष्ट थे। दुष्ट इसलिए थे क्योंकि उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुई थी। क्योंकि परवरिश करने में माँ का ज़्यादा हाथ होता है। घर को बनाने में, घर का फाइनेंस बिल्ड करने में, घर को सुरक्षित रखने में, घर को, घर का प्लान करने में, घर को कवर करने में पिता का ज़्यादा हाथ होता है और घर के इनर साइड में माँ का ज़्यादा हाथ होता है। और बाइबल कहती है वो यहोवा के लेखे दुष्ट थे इसलिए क्योंकि वो कनानी औरत से उसने शादी की थी। कनानी औरतें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी, जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानती थी, अलग अलग तरह की मूर्तियों पर विश्वास करती थी और अलग अलग तरह की रीति रिवाजों में फंसी हुई थी। और वो कनान वही था जो नूह के बेटे में से निकला था, वही बेटा जिसने नूह को नंगा देखा था और वो श्रापित हुआ था। तो अब्राहम के वंश में ये प्रचलन था कि कनानी औरत से ये शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहूदा ने उस चीज़ को तोड़ा और कनानी औरत से शादी की। तो उसके बच्चों की परवरिश उस रीति से नहीं हुई जिस रीति से होनी चाहिए थी। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसका बड़ा बेटा, उसका दूसरा बेटा मारा गया और तीसरा बेटा अभी वो मर जाता अगर उसी पत्नी के साथ वो रहता। तो उसने कहा जब तक ये सियाना ना हो जाए तू चली जा। बात यह है कि बीज बोने के लिए वैरी आता है। आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ पर कितने चुटकुले बनते हैं, कितने जोक्स बनते हैं। रीज़न ये है कि शैतान इस रिलेशनशिप को वीक करना चाहता है। जब आप उसी वचन को सुनते हैं, जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने एक वर्ड सुना, जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर ऐसा कभी ना हो, जीसस ने उसे वचन की रोशनी में जांचा कि ये क्रूस को उठाने से मना करना ये शैतान है। और परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। कई बार आप ऐसे जोक्स को सुनते हैं जो प्रभु की योजना के खिलाफ हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। हस्बैंड को बिल्ड करने का कॉलिंग है और वाइफ को जो बिल्ड हो चुका है उसे मेंटेन करने की कॉलिंग है। आज बहुत से परिवार बरकतों में नहीं है इस रीज़न के कारण कि वो एक मन नहीं है। अपने फाइनेंस में वो नहीं बढ़ते इस रीज़न के कारण। आज बच्चों में कमी है कि वो अपने माता और पिता को फाड़ने में और अलग करने में लगे रहते हैं। परिवारों में दो दो गुट बनते हैं। ये सब शैतानी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए जब आपको कोई भी विचार आए, कोई भी सोच आए, कोई भी वचन आए, कोई भी जोक आए, कोई भी सलाह आए, कोई भी व्यक्ति आपको बोले, तो उसको वचन में से पहले जांचे कि क्या वचन में ऐसा ही लिखा है, क्या वचन में ये सही है, क्या पत्नियां सिरदर्द हैं, क्या पति सिरदर्द हैं, क्या परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर के रूप में सृजा है कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, हमें आदम की तरह परमेश्वर के दिए हुए कामों को करना पड़ेगा।
परमेश्वर की कॉलिंग पे संडे चर्च जाना, चर्चिस वाले मीटिंग्स वाले दिन चर्च में होना, विजन के साथ खड़े होना, परमेश्वर के घर में बोना, ये सारे कामों को अगर हम नहीं करेंगे हम कभी भी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर जब हम यहूदा का देखते हैं तो वचन कहता है उत्पत्ति 38, उत्पत्ति 28 और मत्ती 1 उसकी 1-3, उत्पत्ति 38 उसकी 1-11 और उत्पत्ति 28 उसकी 6-9। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक कनानी औरत के साथ शादी करने से यहूदा के जीवन में मुसीबतें आती हैं और उसके बच्चे मर जाते हैं। पाप करने से एकदम आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, कई बार आप सोचते हैं कि एकदम से कुछ होगा, नहीं, लेकिन आप डाउन जाना शुरू हो जाते हैं, आप नीचे की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और तब आपको ये समझ आती है जब आप नीचे जा चुके होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना मन, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वचनों के ऊपर लगा, क्योंकि जो तुझे आज फील हो रहा है हो सकता है कि वो शैतान का धोखा हो। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, जबकि परमेश्वर आपके संग होता है। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि इस पाप को करने के बाद आपकी लाइफ में कोई बेचैनी नहीं, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलोगे, तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन जो पर मैंने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तुम अपने आप को जांचोगे। और अब जब उसके दोनों बच्चे मर गए, उसको समझ आई कि उसकी लाइफ में जो परमेश्वर ने, उसके बाप दादाओं ने, अब्राहम ने क्या कहा था, उसने अपने नौकर को कहा था करानी औरत को मत लेके आना। इजहाक ने क्या कहा अपने बच्चों को, कनानी औरत से शादी मत करना। लेकिन एसाव ने फिर कनानी औरत से शादी की। और अगर आप एसाव की वंशावली देखेंगे कहीं आत्मिक उसका जिक्र नहीं आता। वो गुम हो गया दुनिया में, पाप में, और फिनिश हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही सब कुछ बताया है। जब हम वचन पे चलते हैं, जब यहूदा वचन पे नहीं चला तो एकदम से वो पहाड़ नहीं टूटा मुसीबतों का। पहला बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा बेटा, ऐसा लगा कि वचन फालतू में लिखा हुआ। ब्लेसिंग है, वाइफ, सुंदर वाइफ मिली, बच्चे हो रहे हैं, बेटे हो रहे हैं, 3-3 बेटे हो गए, बड़े हो रहे हैं, हट्टे कट्टे, उनकी शादी हो गई, तब शुरू हुआ बदला, तब शुरू हुआ उस पाप का कॉन्सिक्वेंस जो परमेश्वर ने कहा। अगर उसने कुछ कहा तो वो तुम्हारे बेहतरी के लिए कहा। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा कि तुम निराश हो या तुम दुखी हो जाओ। वो जानता है आने वाले समय में शैतान किस योजना को लेकर बैठा है और परमेश्वर की योजना क्या है। अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप फ्यूचर में उसकी ब्लेसिंग को भी देखेंगे। आप देखेंगे आपकी लाइफ दूसरों से कहीं अधिक ब्लेस, कहीं अधिक शांति से भरी हुई है। अगर आज पाप करेंगे तो हो सकता है आज फर्क ना पड़े, लेकिन कल को जरूर पड़ेगा, क्योंकि पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाता, वो माफ भी करता है। दाऊद ने अगर बेतशेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवा दिया, तो उसका अपना बेटा पहले मारा गया, फिर उसका एक बेटा और मारा गया। ये उसका कॉन्सिक्वेंस था कि उसे नंगे पांव फिर से पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ा, उसकी बेइज्जती हुई। उसे मालूम था ये होगा। जो बेतशेबा के साथ उसका व्यभिचार से बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया। लेकिन प्रभु जो माफ करने वाला परमेश्वर है, उसी बेतशेबा का सुलेमान उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए कि वो कॉन्सिक्वेंस पाप का माफ नहीं करता, पाप माफ करता है। असर तो होगा उस पाप का, लेकिन वो माफ कर दिया है। ये सुलेमान उसका रिजल्ट है कि वो राजा बना। लेकिन पाप करके, धक्के खा के, दुखी होके समझने के बजाय, फिर उसकी मर्सी लेने के बजाय, ये अच्छा है कि हम सीधा चलें और परमेश्वर की योजनाओं को समझें। ऐसे जोक्स जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उनको उसी वक्त अपनी स्पिरिट से रिजेक्ट कर दें, अपने अंदर ना जाने दें। वो फलों को लेके आएंगे, वो आपके अंदर बैठ जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस और स्पिरिट में चले जाते हैं, फिर वो फल लेके आते हैं। हालेलुया। आज से वचन पढ़ें, अपने दोस्त, अपने करीबी, अपने लोग, अपने इंटरनेट कॉमेडी शोज के द्वारा बोली गई चीज़ों को आत्मा में जांचें कि ये कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है या नहीं बोल रहा, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग सेम नहीं हैं। आप वचन को पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। आमेन। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावंत, तेरा पाक रू इस वचन को इनकी जिंदगी में 100 गुना फल दे।
ये तेरे नाम में बरकत को पाएं और आशीष को पाएं। सुबह का वचन और अब शाम का वचन, ये दोनों वचनों को सुने खुदावंद और कभी भी सेम ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन। वो आपको चंगा करे, आजाद करे, सब तरह के बीमारी और रोगों को आपकी जिंदगी से निकाले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। कुछ नवा कर गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया है, 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 कुछ नवा कर गया, कुछ नवा कर गया, कुछ नवा कर गया है, कुछ नवा कर गया है, मेरे नाल खड़ गया मेरे नाल खड़ गया है ओ मेरी जिंदगी दे विच, परवाह ना करांगा मैं लोकां दे मेड़ियां दी, परवाह ना करांगा मैं लोकां दे मेड़ियां दी, मैं चर्चा करांगा किते कम्मा तेरे आंदी, मैं चर्चा करांगा किते कम्मा तेरे आंदी, चर्चा करांगा किते कम्मा तेरे आंदी, मेरे नाल खड़ गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, मेरे नाल खड़ गया ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया ए, कुछ नवा कर गया ए, कुछ नवा कर गया ए, कुछ नवा कर गया, कुछ नवा कर गया है, 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 नवा कर गया, सब 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 नवा कर गया है मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा कर गया है मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा कर गया, गिनिया न जान में तो पले आया तेरिया, की तेनु दसा मैं बड़े आया तेरिया, की तेनु दसा मैं बड़े आया तेरिया, गिनिया न जान में तो पले आया तेरिया, की तेनू दसा मैं बड़े आया तेरिया, की तेनू
तेरे कोल आया सोखी ना रहा जेड़ा सोखी तेरे कोल आया सोखी ना रहा जेड़ा सोखी तेरे कोल आया सोखी ना रहा ताइयों लोकी दे दे रे गवाहियां तेरियां ताइयों लोकी दे दे रे गवाहियां तेरियां गले नाले लौन वाला सुनिया ने सदा तू दुहाइया मेरिया सुनिया ने सदा तू दुहाइया मेरिया गिड़िया ना जानी में तो पले आइया तेरिया वड्याइयां तेरियां की तेनू दसां मैं वड्याइयां तेरियां गिनियां ना जान में तो भले आइयां तेरियां गिनियां ना जान में तो भले आइयां हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रेजेंस में, मास प्रेयर में, प्रे माउंटेन प्रेयर्स के साथ जुड़ने के लिए सभी जन एक मन हो जाएं। जब आप आत्मा में एक मन होंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु के प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप लोगों को छुएगा, आपकी लाइफ में कार्य करेगा अमेजिंग रीति के साथ, प्रभु आपको छुटकारा देगा। सभी जन अपने स्थान पर खड़े होकर, ऑनलाइन क्लीसियाँ भी अपने स्थान पर खड़े होकर फायर प्रेयर में मेरे साथ एक मन हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपकी लाइफ में बड़े कार्य करे, आपको संपूर्ण छुटकारा दे, परमेश्वर कंप्लीट डिलीवरेंस खुदावंद आपकी लाइफ में कर सके। तो इसीलिए परमेश्वर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एक आप बेचारे क्रिश्चियन नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं, आप बेसहारा, आप अनाथ नहीं हैं, बल्कि आप वॉरियर्स हैं। आप एक युद्ध में हैं, आपका युद्ध शैतान के साथ है, और शैतान के साथ युद्ध में आप बेचारे और आलसी होकर आप जीत नहीं सकते। आपको वॉरियर की तरह आपको फाइट करनी है अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने मुंह को खोल के, अपने माथों को कड़ा करके, अपने स्थानों पर खड़े होकर डिक्लेयर करके, अंगीकार करके, शैतान के खिलाफ अंगीकार करके, वचनों को बोल के, फायर प्रेयर्स के साथ आप शैतान को हरा सकते हैं। धन्यवाद करें सबसे पहले, जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को स्टार्ट करो। तो थैंक्स करते हैं परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद खुदा बाप, तेरा धन्यवाद परमेश्वर इन लोगों के लिए, इन लोगों की लाइफ में तू आज बड़े कार्य करेगा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमें उठाया, हमें जीवित किया, हमारे
मुर्दा शरीरों को, मुर्दा आत्माओं को तूने जीवित किया खुदावन, लोगों के मुर्दा अंगों को तूने जीवित किया हे परमेश्वर। तूने बड़ी गवाहियों के साथ लोगों को खड़ा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू लाइलाज बीमारियों से लोगों को चंगा करता है, शिफा देता है पर खुदावन, तू हील करता, तू यहोवा राफा, तू बड़े कार्य करता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे बड़े बलिदान के लिए, तेरे क्रूसिफिकेशन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावन कि तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन, तू मुर्दों में नहीं, तू जी उठा है परमेश्वर, और तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है खुदावन। जब भी हम प्रेयर्स करते हैं, तू अपने दाहिने हाथ के साथ, अपनी बलवंत भुजा के साथ परमेश्वर, अपने पंखों के छाया तले हमें सुरक्षा देता, हमें बचाता, हमें छुड़ाता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जन के लिए, एक एक क्लीसिया के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए तेरा धन्यवाद। अपने हाथ को उठाए खुदावन, खुदा बाप तेरा आत्मा छुए हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा इन लोगों की लाइफ से भी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी अंधकार की दुष्ट आत्मा जो उनकी लाइफ में कार्य करती हैं, वो अंधेरे को लेकर आती है, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स को लेकर आती है, होली गॉस्ट फायर के साथ वो नाश हो जाए। सभी टीम्स होली गॉस्ट फायर को उन अंधकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर फेंकेंगे, अंधकार की दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, दुष्ट आत्मा फायर के साथ जल के नाश हो जाए। गंदी दुष्ट आत्मा जो इनके परिवारों में, इनके फैमिलीज में, इनके रिलेशनशिप में, इनके ब्लड में, इनके सिस्टम में, इनके बॉडी में अंधकार को, बीमारियों को, क्लेशों को लेकर आती हैं, डिस्टर्बेंस को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर आती है, वो दुष्ट आत्मा अंधेरे को जो लेकर आती है, वो दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। दुष्ट आत्मा कैच फायर, कैच फायर बोलेंगे सभी जनता के, दुष्ट आत्माओं को आग जो है पकड़े, कैच फायर के साथ प्रेयर करेंगे, दुष्ट आत्माएं जो है वो फायर के साथ जल के नाश हो, दुष्ट आत्मा कैच फायर, बीमारी कैच फायर, अंधकार की दुष्ट आत्मा कैच फायर, शैतान कैच फायर, बीमारियां कैच फायर, आंखों के रोग कैच फायर, कानों के रोग कैच फायर, जो पेट के रोग कैच फायर, यूट्रस के रोग कैच फायर, स्किन के रोग कैच फायर, दुष्ट आत्मा कैच फायर, नशे की आत्मा कैच फायर, व्यभिचार की आत्मा कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर दुष्ट आत्मा इन जीसस नेम, डिप्रेशन कैच फायर, हे अटैक करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा कैच फायर, सपनों में अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा कैच फायर इन जीसस नेम, हे दुष्ट आत्मा कैच फायर, जो बीमारियां लेकर आती कैच फायर इन जीसस, अभी जल के नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी खुदावन छुए लोगों को और प्रभु हील करे, ने डिलीवर करे, कैच फायर दुष्टात्मा, दुष्टात्मा कैच फायर इन जीसस नेम, 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 कैच फायर इन जीसस नेम। गंदी आत्मा, डर की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो डर की स्पिरिट जो इन्हें डराती है, रात को डराती है, अंधेरे से डर लगता है, वो दुष्ट आत्मा डर की स्पिरिट जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, वो डर की स्पिरिट जो इन्हें प्रभु के कामों को करने से रोकती है, अपने गवाही देने से रोकती है, वो प्रभु में खड़ा होने से, वो डर की स्पिरिट जो रोकती है, वो डर की आत्मा कैच फायर इन जीसस नेम। परमेश्वर की प्रेजेंस में डर की स्पिरिट कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर इन जीसस नेम। वो गंदी स्पिरिट, वो व्यभिचार की स्पिरिट, वो पाप की आत्मा कैच फायर इन जीसस नेम। परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की
किस तरह कभी आउट हो जाए, जिन लोगों से, जिन बहनों से और जिन बच्चों से, जिन यूथ से ये व्यभिचार की दुष्ट आत्मा कार्य करती है, उन्हें पाप में गिराती है, उन्हें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, प्रभु के वचन को उनकी लाइफ में पूरा होने से रोकती है, वो गंदी स्प्रेट, वो सिन की आत्मा, वो पाप की आत्मा, वो व्यभिचार की आत्मा, कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर इन जीसस नेम, कैच फायर इन जीसस नेम। अभी वो व्यभिचार की स्प्रेट आउट हो जाए इन लोगों से जिनकी लाइफ में व्यभिचार कार्य करता है, वो दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऑल इन क्रिश्चियन से वो पाप की स्प्रेट, सिन, वो सिन की स्प्रेट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा उनके डिलीवरेंस आपको छू रही, आप हील हो रहे हैं, ऑनलाइन क्रिश्चियन अभी आप फ्री हो रहे हैं, आपके पेन्स, आपकी दर्दें जा रही हैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके कान खुल रहे हैं और परमेश्वर आपको अपने पुत्र ताई के सामर्थ्य के साथ, अपनी हॉलीनेस पावर के साथ आपको भर रहा है। अभी आप प्रेयर में ही चलते चलते आप तौबा करेंगे, प्रभु में आगे बढ़ने का परमेश्वर के साथ वायदा करेंगे, दुष्ट आत्माएं कैच फायर इन जीसस नेम, व्यभिचार की स्प्रेट कैच फायर इन जीसस नेम, गंदी आत्मा कैच फायर, अशुद्ध आत्मा कैच फायर इन जीसस नेम, अशुद्ध आत्मा कैच फायर, अशुद्ध आत्मा भी अभी आउट हो जाए इन बॉडी से, अभी व्यभिचार की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, अभी बाहर निकले, अभी दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपकी लाइफ में कार्य करती वो दुष्ट आत्मा है, जो साइलेंट रीति के साथ आपकी लाइफ में कार्य करती वो दुष्ट आत्मा है, अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्मा चीखे और चिल्लाए और बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो साइलेंट रीति के साथ कार्य करती इन लोगों की लाइफ में, वो दुष्ट आत्मा आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए अभी आउट हो जाए, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, जो इन्हें अटैक करती है, इनके सिरों पर दबाव डालती, जो पागलपन के अटैक्स को लेकर आती, वो दुष्ट आत्मा अंधकार को लेकर आती, वो आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अभी आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आउट, ईविल स्पिरिट आउट, अटैक्स खत्म प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अभी अटैक्स खत्म इन जीसस नेम, अटैक्स खत्म इन जीसस नेम, अटैक्स खत्म इन जीसस नेम, आउट दुष्ट आत्मा आउट, आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन बॉडी से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आउट दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ऑनलाइन क्रिश्चियन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की योजनाओं को खत्म करना चाहता है, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान अभी फिनिश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो फिनिश हो जाए इन जीसस नेम, वो फिनिश है दुष्ट आत्मा अभी यीशु मसीह के नाम में, वो शैतान, वो अंधकार की शक्तियां फिनिश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान की सारी साजिश फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस, वो सारे षड्यंत्र फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सारी योजनाएं, शैतानी योजनाएं फिनिश है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो शैतान की सारी चालें फिनिश है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, शैतान तू हारा हुआ, तू झूठा है,
तू कुचला हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल करते हैं जीसस ने। शैतान के सारे प्लान्स खत्म है जीसस ने। सारी शैतानी योजनाएं लोगों से खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान इन लोगों की लाइफ में कोई भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता है जीसस ने। शैतान खत्म हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों से शैतानी सारी ताकतें फिनिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी ताकतें फिनिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी ताकतें फिनिश है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन इन जीसस नेम। जो कंफ्यूजन को लेकर आती हैं, जो इनके फोकस को हटाती हैं, इनके फोकस को अपनी प्रेयर पॉइंट से हटाकर फालतू चीजों में, चुगलियों में, फालतू चीजों में दुष्ट आत्माएं लगाती हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो फोकसलेस स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी कंफ्यूजन की आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो फालतू में जो है आत्मिक स्पिरिचुअल व्यभिचार कराती है, वो कंफ्यूजन की स्प्रेट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे जीवित वचन के साथ, तेरे जीवित भवन के साथ जुड़े रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल व्यभिचार खत्म है इन जीसस ने। स्पिरिचुअली जो लोग व्यभिचारी हैं, वो व्यभिचार की स्प्रेट अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे कंफ्यूजन, वो सारे शक डाउट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे षड्यंत्र शैतान के अभी फेल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इन्हें फ्री करे, इन्हें आजाद करे, खुदावन इनके सोचों को क्लियर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठाए, हर तरह की एडिक्शन खत्म हो जाए, शैतानी एडिक्शंस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फोन ज्यादा देखने की एडिक्शन, स्क्रॉलिंग करने की एडिक्शन, फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की एडिक्शन, वो सारी शैतानी एडिक्शंस, नशे की एडिक्शन, जुए की एडिक्शन, वो एडिक्शंस खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी प्रभु की प्रेजेंस में सारी शैतानी एडिक्शंस को हम खत्म करते हैं जीसस ने। होली गॉस फायर के साथ सारी एडिक्शंस खत्म हो जाए, वो एडिक्शंस खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी जुआ अभी टूटे, शैतानी जुआ ब्रेक हो जाए और सारी शैतानी एडिक्शंस ब्रेक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम ब्रेक करते हैं ऊंची आवाज में सभी क्लीसियन, शैतानी जुआ ब्रेक इन जीसस नेम, शैतानी दुष्ट आत्मा ब्रेक इन जीसस नेम। नशे की दुष्ट आत्माओं को ब्रेक करते हैं, नशे के जुए को ब्रेक करते हैं, सारी एडिक्शंस को ब्रेक करते हैं जीसस नेम। अंधकार, अंधेरा छाया हुआ, डार्कनेस है और आशा, होप खत्म हो चुकी है, परमेश्वर तेरा उजाला इन लोगों की लाइफ में आए। खुदावन तूने डिक्लेयर किया कि उजाला हो जाए और उजाला हो गया परमेश्वर। उसी रीति से उजाला हो इनकी लाइफ में, रोशनी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
इनकी लाइफ में, इनके अंधेर में ही जिंदगियों में रोशनी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस जो अंधेरे में है रोशनी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, फेलियर की स्प्रेड खत्म हो जाए, इनके बिजनेस में रोशनी आ जाए। हर एक बीमारी की स्पिरिट, बीमारी की दुष्ट आत्मा, बीमारी की गंदी आत्मा आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमार शरीर अपने शरीरों पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, खुदावंत तो बड़ी ग्रेट टेस्टिमनी को तू क्रिएट करता है। खुदावंत तू कैंसर को हील करता है, एचआईवी को हील करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से तू शिफा देता है लोगों को। खुदावंत इन लोगों को छुए, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। हर बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन बॉडी से, इन शरीरों से, इन देहों से भी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन क्लीनिक से, इन फॉरेन ब्रांचेस से दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बीमारी, गंदी बहरी, गुंगी दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सारी दर्दे, हड्डियों के रोग, स्किन के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो लिवर फेलियर, वो किडनी फेलियर आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मुर्दांग जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके मुर्दा देहों में, इनके बीमार शरीरों में रोशनी और उजाला आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के स्प्रेड अभी छोड़ के जाए। हर एक शैतानी असर बेअसर हो जाए इन लोगों से, इनके परिवारों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी असर बेअसर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी असर जो इनके लाइफ में, इनके मैरिड लाइफ में है, इनके स्टडी में है, जो इनके आत्मा में बढ़ने के रास्ते में जितना शैतानी असर है वो बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतानी प्रभाव भी खत्म हो जाए, हर एक शैतानी असर खत्म हो जाए, शैतानी प्रभाव खत्म हो जाए। शैतान शर्मिंदा हो लोगों से, ब्रांचेस से, ऑनलाइन क्रिश्चियन से शैतान शर्मिंदा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु की विक्टोरियस पावर एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु, बड़ी टेस्टिमनी के साथ इन लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु, अपने आप जाहिर करे इन लोगों की लाइफ में। प्रभु का पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे और इन्हें पवित्र करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिलीज को अपने पंखों के तले छुपा कर रखे, अपनी सुरक्षा दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद इनके बिजनेस को ब्लेस करे, फलवंत करे, फ्रूटफुल करे इन जीसस नेम। खुदावंद बांझ कुखों को, बांझ कोखों को खुदावंद हरा और भरा करे, फ्रूटफुल करे, फैमिलीज को, परिवारों को कंप्लीट करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और मैं ब्रांचेस को हील होता हुआ देख रही हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लीसियों को हील होता हुआ देख रही हूँ। आपको बड़ी टेस्टिमनीज के साथ मैं खड़ा होता हुआ देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद यीशु पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज तूने हमारी प्रेयर्स को सुना, तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया खुदावंत, तूने अपने स्वर्ग से हमारी प्रेयर्स को के आंसर्स को भेज दिया परमेश्वर। और तू हमारी लाइफ में आने वाले दिनों में बड़े कार्य करेगा परमेश्वर। हर तरह के अटैक से, शैतान की चालों से, षड्यंत्र से, साजिशों से तू हमें बचा कर रखेगा, एक एक जन को तू बचा कर रखेगा खुदावंत। तेरी हीलिंग पावर परमेश्वर आज के प्रेयर के द्वारा तूने एक एक लाइफ में तू अपनी हीलिंग पावर को आज भेजेगा और इन्हें ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
खुदावन तेरी सामर्थ्य लोगों की लाइफ में कार्य करेगी, आत्मा में और बढ़ेंगे, हीलिंग पावर के साथ टेस्टिमनीज को ये कंसीव और रिसीव करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप लोगों ने प्रेयर्स को रिसीव किया है, मास प्रेयर्स को रिसीव किया है। आप जानते हैं कि प्रभु कितने बड़ी टेस्टिमनीज दे रहा है, कितने बड़े काम प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा कर रहा है, और बड़ी ग्रेट हीलिंग टेस्टिमनीज, ग्रेट रेवलेशंस, और प्रभु अपने दास को अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड अपने डीप रेवलेशंस के साथ भर रहा है। जैसे आज की मॉर्निंग की मीटिंग में परमेश्वर ने बड़े कार्य किए हैं, प्रभु अपने दास के द्वारा डीप रेवलेशंस को, ग्रेट वर्ड ऑफ गॉड को, प्रभु अपने वचन के प्रकाश को अपने लोगों तक भेज रहा है। सो हम सभी जन, आप सभी क्लीसियाँ, हम धन्य हैं प्रभु का वचन हम आप लोगों तक पहुंच रहा है, डीप ग्रेट वर्ड ऑफ गॉड आप लोगों तक पहुंच रहा है, सच्चा और पूरा पूरा वचन आप लोगों तक पहुंच रहा है। सो इसीलिए लगातार प्रभु के घर के साथ, जीवित भवन के साथ, जीवित क्लीसियाओं के साथ जुड़े रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, लगातार एवेंजलिज्म को तेज रखें, रूहें लगातार बचती रहें, नई ब्रांचेस जितनी भी खुली हैं अपने एवेंजलिज्म को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करें। लगातार प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, जब आप प्रभु के घर में आएँ तो केवल परमेश्वर के साथ एक मन रहें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर ही प्रभु आपकी लाइफ में कार्य करेगा, फिर ही परमेश्वर आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। सो अपने फोकस को हिलने ना दे फॉरेन ब्रांचेस, अपना फोकस, अपना रिलेशन जो है वो केवल परमेश्वर के साथ रखें जब भी आप ब्रांचेस में आएँ, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको बरकत दे सके, आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। सो इस रीति से प्रभु में हमेशा बने रहना है, हर तरह की जो भी आसपास होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आसपास होने वाली कन्फ्यूजन्स हैं, अपने आप को बचा कर रखना है और प्रभु में एक मन रहना है, फोकस के साथ प्रभु में बने रहना है, प्रभु आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। इसी रीति से एवरी डे आप जानते हैं प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ आप सभी जन जुड़े रहें, ताकि प्रभु आपको छुए और ब्लेस कर सके। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का, थैंक्स करें आज के दिन के लिए, मास प्रेयर के लिए जो आपने रिसीव करी है, परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है, जो आपकी लाइफ में काम करता है। तो इस प्रेयर के बाद बहुत सारी टेस्टिमनीज जो है हमारे पास आई है। टोरंटो ब्रांच से ब्रदर लकी की गवाही है कि काफ़ी टाइम से इनके गले के अंदर जख्म बनने शुरू हो चुके थे, स्वेलिंग हो चुकी थी, कुछ भी खाते थे तो गले में जो खाना था बहुत ज़्यादा अटकता था, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था इनकी वो खाना जब खाते थे। लेकिन आज ये इस समय टोरंटो ब्रांच में मौजूद हैं। जैसे ही परमेश्वर के दासी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के आत्मा ने जो उसके बाद इन्होंने अपने आप को जब चेक करके देखा, जो चीज़ नहीं कर पाते थे, खाना खाते थे जो गले में दिक्कत होती थी, लेकिन जब इस बार प्रेयर के बाद खाना खा के चेक करके देखा तो इनका गला जो है वो पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए जो इंस्टेंटली खुदा ने इस भाई को हील किया। एक और टेस्टिमनी सिस्टर की है, इनकी सुखदेव नाम है इनका, इनकी टेस्टिमनी है कि 4 साल पहले ये बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मनके टूट गए थे और बेल्ट लगी थी और उनसे उठा बैठा झुका नहीं जाता, इनकी फैमिली इनकी देखरेख करते थे और ये लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और जैसे ही हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसके बाद जब चेक करके देखा तो बिना बेल्ट के अपने आप को उठ बैठ के इन्होंने चेक किया, तो ये पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर राज की टेस्टिमनी है कि 4 महीने पहले घर में पैर फिसलने की वजह से ये बहन बहुत ज़ोर से नीचे फर्श के ऊपर गिरे थे, रीढ़ की हड्डी की जो नसें ब्लॉक हो चुकी थी, बेल्ट लगी हुई थी, इनसे भी उठा बैठा नहीं जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा ये 4 महीने से इलाज करवा रहे थे, हर तरह के इन्होंने यूज़ किया, जो भी ऑयल वगैरह डॉक्टर देते थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की जीवित हजूरी में बैठे और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद ये बहन पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से आज हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर रविंदर की टेस्टिमनी है हमारे पास, ये तरन तारण से मीटिंग आज अटेंड कर रहे थे और 5 साल से इस भाई को यूरिन रुक रुक कर रहता था, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था। डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में स्टोन है गुर्दे में और दर्द के कारण इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे और काफ़ी टाइम से परेशान थे, लगभग 5 साल हो चुके थे इलाज करवाते। और आज जैसे इन्होंने प्रेयर के साथ जुड़े, परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे और इनके गुप्तांग के जरिए से एक पथरी बाहर आई और उसके बाद जो है इनका पेट जो है, जो पेन थी वो खत्म हुई और उस पथरी को आप देखिए अपनी स्किन के ऊपर, परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। इस चंगाई के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए।
ब्रदर विल्सन मसीह की गवाही है कि 3 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, राइट पाँव की हड्डी टूट गई थी और तभी से चला नहीं जाता था। डॉक्टर ने राइट पैर में प्लेट्स डाल दी थी और ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे, चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही प्रेयर माउंटेन के साथ लगातार जुड़े हैं, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, तो ये भाई आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ सब सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर बेबी की टेस्टिमनी है, ये गुरदासपुर से परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं। 8 साल से घुटनों का रोग था और परमेश्वर ने आज उस रोग से इस बहन को आज़ाद किया। सिस्टर राजकुमारी की गवाही के 1 साल से इनको सर्वाइकल स्पंडलाइसिस नाम का रोग हुआ था, जिसकी वजह से गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती थी, गर्दन को घुमा नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और आज जैसे ही प्रेयर माउंटेन के साथ ये कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने हैं, प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनका वो रोग खत्म हुआ है। और एक और टेस्टिमनी है हमारे पास, सिस्टर सीता नाम है इनका, इनके टेस्टिमनी के 2018 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद जब बेबी का प्लान किया 2019 में तो बेटी हुई, बट सांस ना आने के कारण उसी समय उसकी डेथ हो गई थी। 2021 में जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो एक शैतानी सपना आया और 6 मंथ में ही ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बेबी की हार्ट बीट बंद हो चुकी है और केस खराब हो गया। 2022 में थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए, सेम सपना आया, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, केस खराब हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि 3 बार आपके मिसकैरेजेस होने के कारण, केस खराब होने के कारण यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और आप अब बेबी का मत सोचना, आपकी जान जा सकती है। लोग इनसे बच्चे छुपा लेते थे, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी, जब भी लोग बच्चे के बारे में पूछते थे काफ़ी ज़्यादा ये रोते थे, डिप्रेशन में हमेशा रहते थे। फिर जब अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़ना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुना, फेथ इनका बढ़ने लगा परमेश्वर के ऊपर, फिर इन्होंने 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और अपने लिए ग्रहण किया था परमेश्वर ने। उस प्रेयर के बाद इनकी जिंदगी में काम किया। इस प्रेयर को हम सुनेंगे फुल स्क्रीन पे। वो स्वीट सिर्फ अगर पड़ोसी से इतनी भी मिल जाए, जस्ट वो डिक्लेयर करने के लिए है कि आपका न्यू ईयर जो है, शैतान जितना मर्जी कड़वा करने की कोशिश करे, इस मिठास से जो आप खुदा के घर से लेके जा रहे हैं वो कड़वा नहीं कर पाएगा और वो मीठा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने उन वर्ड्स को सुना, रिसीव किया, अनॉइंटेड स्वीट को लिया। उसके 23 दिन के बाद जब टेस्ट किया तब ये बहन प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर ने 9 मंथ तक प्रेगनेंसी में इनको सेफ रखा और इनको 4 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर के लिए आप जानते हैं कुछ भी काम असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका फेथ परमेश्वर देखता है कि आपका विश्वास कितना है। अगर आप फेथफुल हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की टाइमिंग, उसकी प्लानिंग, उसके वचन के ऊपर आपका भरोसा है, तो आप अपने मिरेकल को, अपनी टेस्टिमनी को जल्दी रिसीव कर पाते हैं। तो आज भी आपको जो खुदा ने हील किया है, अपनी टेस्टिमनीज को अपने टेस्टिमनी नंबर्स के ऊपर भेजते जाना है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया। कोई रसौली पत्री बार उसकी फोटोज शेयर करो, अपनी टेस्टिमनी की वीडियो बना के वे नंबर्स के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। तो आपने लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को भेजते जाना है। ये टाइम है बोने का, तो जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में है, आपने ध्यान से सुनना है कि जो बोना है आपने अपने दिल को खोल के आज बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। इस पोस्टर को हटा दो अभी। आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। आप जानते हैं ये टीवी चैनल जो पार्टनरशिप है, आपने उसमें अपने सीट को बोना है। इस समय जितने जन फॉरन में है, जो एक पीछे आपके उस हॉल में टेबल लगे, उसके पास में टीवी चैनल के लिए भी टेबल लगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास का जो प्रीच है अलग अलग भाषाओं में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, अभी आना जो शुरू हो जाएगा उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इन चैनल्स के लिए आपने अपने बीज को बोना है। इसमें ऐसा है कि आप अगर मंथली एक अमाउंट जमा करवाते हैं तो लगातार 12 महीने यानी 1 साल के लिए लगातार आपने उसी अमाउंट को हर मंथ जमा करवाना है, ताकि आपके बोए जाने के द्वारा जो प्रीच, जो प्रचार, जो वचन परमेश्वर का लोगों तक पहुंचे, उनकी जिंदगियां जो है वो चेंज हो सके। तो इस पार्टनरशिप को आपने लेना है, हर एक जन ने, जितने जन ब्रांच में बैठे आप पोच लेंगे, आप जिम्मेवारी लेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपके बोए जाने के द्वारा अगर कोई बच रहा है तो आप तैयार रहें, परमेश्वर आपको कभी सेम नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। ऐसी कितनी थाउजेंड्स नहीं बल्कि लाखों गवाहियां आप सुन चुके हैं कि जिन लोगों ने एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ बोया है, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनकी जिंदगी में उनको ब्लेस किया, उनको काटने को दिया है। तो आज अपने दिल को खोल के परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने बोना है। तो अपनी ऑफरिंग
अपने टाइथ, जो अपने दशवास जो है बाइबल में लिखा, जो टाइथ बोते हैं वो तंगी में नहीं रहते, वो टाइट नहीं रहते। फिर अगर आप दशवास बोते हैं, दसवां हिस्सा जो ऑलरेडी परमेश्वर का है, तो आपको बोना है, स्पेशल सीड बोना है कि मैं ये बीज चर्च भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए बो रहा हूँ, ये मैं इवेंजलिज्म के लिए बो रहा हूँ, ये मैं सुसमाचार के काम, ये मैं इसलिए बो रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुने। जब आप इस तरह से बोना शुरू कर देंगे तो देखें परमेश्वर किस तरह से आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, आपको ग्रोथ देता है, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकालें, वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं, जो माइटी मैन पार्टनरशिप है, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, टीवी चैनल पार्टनरशिप्स, आपने जरूर इनमें अपने सीड को, अपने बीज को बोना है ताकि लगातार चर्च भवन में जो काम हो रहे हैं वो स्पीड के साथ वो कंप्लीट होते जाएं। तो अपने आज बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जितने भी फॉरेन ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में टेबल्स लगे हुए हैं स्पेशल सीड के लिए, तो आप जरूर अपने बीज को बोएं। और आप लगातार जब बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आपके बोए जाने के द्वारा जो लोगों तक इवेंजलिज्म है, सुसमाचार है, पहुंचाया जा रहा है, तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपने सीड को, अपने स्पेशल बीज को आपने बोते जाना है। और जो लोग इस समय आप फॉरेन में बैठे हैं या ऐसे देशों में, ऐसे स्टेट में जहाँ पे अभी चर्च की ब्रांचेस नहीं है, तो जो तीन कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इन तीनों कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोना है। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो इनका फ़ायदा उठाएं, इनके जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के प्रति आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, तो टीम आपको गाइड करेगी। और जो लोग इस समय भारत में, इंडिया से आप ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करें, मोबाइल एप्लीकेशंस, जो UPI पेमेंट करने के लिए आप UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड्स को स्कैन करें, गूगल पे बैंक्स के QR कोड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए, जो ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनकी अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप RTGS करके भेज सकते हैं। और जितने भी जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में हैं, आप अपने स्पेशल सीड को बोएंगे, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को आज निकालेंगे परमेश्वर के कामों के लिए। आप जरूर टीवी चैनल के लिए अपने नाम को नोट करवाएंगे, जो पीछे टेबल लगा है, जितने भी फॉरेन में इस समय ब्रांचेस हैं, कनाडा, अमेरिका, जितने भी सभी ब्रांचेस में आपने हर एक जन ने जिम्मेवारी लेनी है, तो आप अपने बेस्ट सीड को आज बोएं टीवी चैनल पार्टनरशिप में, अपने बीज को निकालें और आज बेस्ट ऑफरिंग को डालें परमेश्वर के कामों के लिए। दाऊद वांगू नचना मैं, दाऊद वांगू नचना, दाऊद वांगू नचना, नच नच में ताज पौनी तमाल जी, नच नच अज में पौनी तमाल जी। आप ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं, जो बैंक्स के QR कोड्स हैं, जीपे, गूगल पे इसका QR कोड है, इनको स्कैन करें, तो ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को इन बैंक अकाउंट्स में, इनके थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू आप भेज सकते हैं अपनी बेस्ट ऑफरिंग को। तो आप जितने भी जन इस समय ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, चाहे किसी भी देश से, या आप इंडिया से, अलग स्टेट से, या पंजाब से, तो अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में निकाल लें। जिस समय आपने चर्च में आना है, ब्रांच में आना है, या स्पेशल सीट बोने के लिए अपने चर्च में आना है, तो एनी डे एनी टाइम आप अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए चर्च में आ सकते हैं। जो लोग ऑफरिंग को, सीट को डाल चुके हैं, वो सब अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें और वर्शिप में जाएं। दाऊद वांगू नचना मैं, दाऊद वांगू नचना, दाऊद वांगू नचना मैं, दाऊद वांगू नचना, हो एक पब चखना ते एक पब रखना, ना मैं अज अखना ते ना मैं अज थकना, एक पब चकना ते एक पब रखना, ना मैं अज अखना ते ना मैं अज थकना, हाँ मैनू ना हटावे कोई, मैं नहीं हटना, मैनू ना हटावे कोई, मैं नहीं हटना,
दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना ओ एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज थकना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज थकना ओ एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज थकना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं अज अकना ते ना मैं अज थकना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं जी अकना ते ना मैं अज थकना एक पब चकना ते एक पब रखना ना मैं जी अकना ते ना मैं अज थकना मैनू ना डावे कोई मैं नहीं हटना ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ 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 ਨੱਚੇ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ
दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना दाऊद वांगू नचना मैं दाऊद वांगू नचना नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी नच नच हो गया मैं किन्ना परेशान जी नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी नचने तो फेर भी ना रचे मेरा मन जी दिता है खुदा ने आज बेड़ा है सुलखना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना मैनू ना हटावे कोई मैं नहीं हटना आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने असी आम दीवाने नहीं यसू दे दीवाने जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मेरी रूह दा मेरे दिल दा मेरी रूह दा मेरे दिल दा यसू जानदा है मेरा सारा हाल 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 जिथे जावा यसू मेरे जिते जावा यसू मेरे नाल 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 जिते जावा यसू मेरे नाल 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 मेरे 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 यसू मेरे नाल नाल 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 मेरे यसू मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरे नाल मेरे नाल नाल
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਘਬਰਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਮੈਂ 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 ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੱਕਣਾ ਇੱਕ ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੱਕਣਾ ਇੱਕ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਰੂਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰੂਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਲੀ ਸੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ 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 ਨੱਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਟਣਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ 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 ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਨੱਚਣੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਰਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਏ ਸੁਲੱਖਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਏ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸਭ ਜਨ ਜੋਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇ जुड़ना आज आपका ब्रांच में आना आपके लिए आशीष का कारण ठहर गए शिंद के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोले थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाकर सब जन हालेलुया हमारा विश्वास है जो प्रार्थना आज आपने अटेंड की है जो आपने वचन आज आपने सुना परमेश्वर के दास के द्वारा जो आपने प्रार्थना अटेंड की हमारा विश्वास है आप टेस्टिमनी पा चुके हैं प्रभु शिंद के सामर्थ्य नाम में आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन था आज आपकी गवाही के दिन शुरू होंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस्ड होंगे ऊंचे किए जाएंगे बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे परमेश्वर शब्द के सामर्थ्य नाम में हालेलुया अपने हाथों को उठाए थैंक यू चीरस बोले तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें अपनी आंखों को बंद करें सब जन अपने हाथों को उठाए अब हम प्रार्थना में चलेंगे सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर की हजूरी के लिए उसके दास के लिए उसकी दासी के लिए परमेश्वर के बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया अंधों को आंखें दी बीमारों को हील किया सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें और मेरे पीछे अंगीकार करेंगे बोले परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे दास के लिए तेरी दासी के लिए तेरे सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर आज जो मैंने गवाहियाँ सुनी है तेरे वचन को सुना है परमेश्वर इसके बाद मेरा जीवन सेम नहीं है आज की मीटिंग के बाद मेरा जीवन सेम नहीं है परमेश्वर मैं बड़ी गवाही के साथ बड़े छुटकारे के साथ बड़ी गुड न्यूज के साथ वापिस आ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमेन 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 अपने हाथों को उठाएं हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके आखिरी प्रार्थना में अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर करें अपनी बाइक्स अपनी गाड़ियों को जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में हैं जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हैं जितने भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं हर एक चीज को अपने आप को अपनी फैमिली को अपने बच्चों को अपने घरानों को अपनी जॉब फाइनेंस बिजनेस स्टडी हर एक चीज को यीशु मसीह के ब्लड में कवर करें कि उसका ब्लड आपको सुरक्षित रखे उसके एंजल्स आपको सुरक्षित रखें जो ग्रेस जो मसा आज आप लेके जा रहे हैं आपका जीवन सेम नहीं है आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में अपने हाथों को उठाए हर एक जन बोले अब खुदा बाप आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपका फजल पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों संतों सेवकों के साथ पवित्र कलीसियाओं के साथ पूर्ण रूला मनुष्य के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे आमेन 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 आपने लगातार परमेश्वर के शरीर में बने रहना है परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर आपको प्रेम करता है गॉड ब्लेस यू सबको जय मसीह की